जा चुका है। आप सभी को मेरा प्रणाम। इस 9 दिवसीय सितार की ऑनलाइन लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन सीरीज जो कि भारतीय विभाग मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय आयोजित कर रहा है, इसमें इसका आज 8वां दिवस है और बहुत ही हर्ष हो रहा है मुझे। आप सब रोज हमारे साथ इस व्याख्यान माला में जुड़ रहे हैं, तो मैं आज पुनः आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। द टेक्निकल एंड एस्थेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सितार प्लेइंग विद स्पेशल रेफरेंस टू द रियाज रेपर्टुआर एंड प्लेइंग स्टाइल्स ऑफ डिफरेंट घरानाज, इस विषय को हम लेके चले हैं और इसके अंतर्गत ऐसी कई सब थीम्स निकल के आई हैं जिसमें हमें अलग अलग घरानों से, शैलियों से विद्वानों ने, कलाकारों ने अपने ज्ञान से हमें बहुत लाभान्वित किया है। तो इसी कड़ी में आज हमारे बीच उपस्थित हैं सिक्किम यूनिवर्सिटी से पधारे आदरणीय प्रोफेसर पंडित संजय बंदोपाध्याय जी। सर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और हृदय से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज आप हमारे बीच आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम आपकी ज्ञानवर्धक बातें सुनेंगे और आपने बहुत ही यूनिक सा विषय चुना है, अलग हटके आपका विषय है, तो निश्चित ही आज भी सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत लाभ होने वाला है। तो इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं अब अपनी विभागाध्यक्ष मैडम प्रोफेसर संगीता सिंह जी को सादर आमंत्रित करती हूँ और उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे कृपया औपचारिक स्वागत उद्बोधन दें और हमारे आज के कलाकार अतिथि व्याख्याता प्रोफेसर पंडित संजय बंदोपाध्याय जी के लिए सम्मान पत्र का वाचन करें। सभी को आवाज मेरी जा रही है? जी मैडम, आ रही है। सभी गुरुजन को, विद्वजन को मैं आज के इस पावन दिवस जो कि हमारा सावन का आज पहला सोमवार, इस बाबा विश्वनाथ की काशी की नगरी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय संगीत एवं मंच कला संकाय वाद्य विभाग द्वारा आयोजित इस सितार के व्याख्यान माला में हमारे देश के सभी विश्वविद्यालय से जुड़े गुरुजन, अध्यापक गण, शोधार्थी, विद्यार्थी सभी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ और साथ ही हमारे जो भी सीनियर हमारे गुरुजन जुड़े हुए हैं मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। जैसे हमारी प्रोफेसर पुष्पा मैडम का मैं बहुत ही स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्रोफेसर इंद्रानी मैडम भी हमेशा ही जुड़ती हैं इसमें, मैं उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथ ही हमारे वरिष्ठ शिक्षक प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ मिश्र जी भी हमेशा ही जुड़े रहते हैं, मैं उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारी आदरणीय रेखा सेठ जी भी हमेशा मैं देखती हूँ कि जुड़ी रहती हैं और हमारे बहुत अच्छा लगता है। मैम, आपका भी मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और भी लोग जो भी हैं मैं सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इस वैश्विक महामारी की परिस्थितियों में तकनीकियों के माध्यम से विद्यार्थियों को हम अधिक से अधिक लाभ करा सके, इसके लिए सभी आमंत्रित विद्वजन, गुरुजन, विदुषी सभी अपने ज्ञान एवं अनुभव की जो गंगा बहा रहे हैं जिससे हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। एक बार मैं अपनी अपनी विभाग की ओर से मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगी। जितने भी हमारे आमंत्रित वक्ता हैं, मैं एक बार पुनः मैं नाम लेके बहुत हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। जैसे हमारी मैडम का हमने सुना, आदरणीय परम विदुषी हमारी मैडम प्रोफेसर अनुपम महाजन जी को मैं सच में बहुत कृतज्ञ हूँ कि हम लोगों ने बहुत लाभ लिया। हमारे प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर सर,
जिनका हम लोगों ने उनके ज्ञान से बहुत ही अभिसिंचित हुए हैं। कल के व्याख्यान में प्रोफेसर साबे साक्षी जी जो पूरे घरानों के बारे में हमारे विद्यार्थियों को अवगत कराए, मैं सर हृदय से आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। प्रोफेसर प्रतीक चौधरी जी, मैं हृदय से आपके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि आपने इतना सुंदर घरानेदार हाथों का रख रखाव, घरानेदार बंदिशें और अपने जो भी गुरुजन पिताजी से जो आपने प्राप्त किया, एकदम दिल खोल के आप सभी गुरुजन ने बांटा है, इसके लिए तहे दिल से मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। हमारे पंडित हरविंदर शर्मा सर को भी मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आपसे सर सीखने को मिला कि कलाकार का वाद्य नहीं बजता, कलाकार का व्यक्तित्व बजता है वाद्यों पे, तो ये हमेशा मुझे तो याद रहेगा सर। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। और पंडित रवि नारायण गोस्वामी जी जो वाद्यों में का जो आलापचारी होता है कि चारों प्रकार का जैसे जो आलापचारी का सिस्टम होता है, हम लोग या विद्यार्थी कभी कभी मनमाना जो करते हो वो मनमाना नहीं है, वो सिस्टमैटिक है, सबका एक तरीका है। तो आपके व्याख्यान से हम लोग बहुत लाभान्वित हुए सर, आपके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ सर। वाद्य विभाग बहुत कृतज्ञ है। संजय, हमारे डॉक्टर संजय वर्मा जी विद्यार्थियों को ये अवगत कराया कि विचित्र वीणा भी से अवगत कराया है, विचित्र वीणा और सितार आप दोनों वादन करते हैं, तो सभी विद्यार्थी आपका भी आपसे भी बहुत लाभान्वित हुए, तो इसके प्रति भी मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। और आने वाले समय में जो भी हमारे गुरुजन है, विद्वत जन है, मैं अभी से ही मैं अब बहुत हृदय से वाद्य विभाग की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमारे संकाय प्रमुख जिनके मार्गदर्शन और निर्देशन में ये सारे कार्य हो रहे हैं, तो उनके लिए मैं तो खुद उनके मार्ग पे चल रही हूँ, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके सर बहुत ही आभारी है वाद्य विभाग। वाद्य विभाग क्या पूरा संकाय ही जो आप जिस तरह का विकास और समृद्धि में निरंतर लगे हुए हैं सर, आने वाला समय ही बताएगा कि आपने क्या योगदान उस फैकल्टी को दिया सर, इसके लिए हृदय से सर आपके भी हम सब आभारी हैं। संयोजिका मैडम जो बहुत इतना सुंदर संयोजन किया, इतने अच्छे से गुरुजन को सामने लाके एक मंच पे एकत्रित किया और हम सब उनके ज्ञान गंगा से नहा रहे हैं। इस समय तो हम लोग कोरोना की वजह में घर में ही है, लेकिन इस जो ज्ञान गंगा की जो धारा बह रही इसमें हम लोग सराब हो रहे हैं, इसके लिए सुप्रिया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारी बहुत ही प्यारी अंजलि जो हमारे ही विभाग से उन्होंने सब कुछ पढ़ाई लिखाई किया और आज एक अच्छे मुकाम पे हैं और बहुत खुशी होती है, उनको मैं बहुत आशीर्वाद भी देती हूँ और वो निरंतर लगी रहती हैं। तो मैं डॉक्टर अंजलि जी को बहुत हृदय से आपको भी मैं आशीर्वाद देती हूँ, आपको निरंतर हम लोगों के साथ काम करना है तो मैं आशीर्वाद दूंगी, और विभाग की तरफ से मैं आपका बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं भी विभाग की तरफ से कृतज्ञ हूँ आपके प्रति भी, धन्यवाद। मैं ये मंच सुप्रिया बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब इस सत्र को हम आगे बढ़ाते हुए आदरणीय संकाय प्रमुख प्रोफेसर राजेश शाह जी को मैडम सम्मान पत्र। मैं आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर संजय बंधु उपाध्याय जी, मैं हम लोग सर से हमेशा, हमारे संकाय प्रमुख सर से हमेशा आपके बारे में बातें होती हैं, तो आज सच में आज हम लोग कुछ नई चीजें जानेंगे
और सर हम लोग हमेशा सर से आपकी चर्चा विभाग में होती है, तो आज आशा करती हूँ कि आज नई तकनीकी बहुत सारे चीजें आप हम लोगों को अवगत कराएंगे सर। तो मैं हृदय से सर आभारी हूँ और आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ वाद्य विभाग की ओर से, और आपके सम्मान में सर मैं यह सम्मान पत्र वाचन कर रही हूँ। वाद्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय BHU द्वारा आयोजित सितार पे हो रही व्याख्यान माला में प्रोफेसर संजय बंधु उपाध्याय जी के उत्कृष्ट ज्ञान व वक्तव्य से संगीत के जिज्ञासुओं को अभिसिंचित करें। वाद्य विभाग आपके इस अमूल्य योगदान के लिए आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत गौरवान्वित है व आपके इस अप्रतिम सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता है सर। सर बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन सर। मैं मंच सुप्रिया जी को दे रही हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आदरणीय सहकार प्रमुख प्रोफेसर राजेश शाह जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। सर कृपया आए और अपना उद्बोधन दें और हमें अनुग्रहित करें। अनम्यूट होना है। सभी को सादर नमस्कार, सुप्रभात। कितना अच्छा दिन निकलता है सुबह सुबह जब हम लोग संगीत की बात करते हैं, वो भी सितार जैसे वाद्य की। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग के बीच में जब हम लोग बोलते हैं तो संगीत में हम लोग काकू भेद की बात करते हैं, तो ये तकनीक जो है नेट और ये जितने भी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो बिना कुछ किए ही काकू भेद उत्पन्न कर देती है, तो उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि नेट की वजह से आवाज़ अपने आप कुछ बदल जाती है। आज का सत्र पंडित संजय बंदोपाध्याय जी, जो प्रोफेसर भी हैं, लेकिन मैं पंडित लगाना उचित समझता हूँ इसलिए कि आप रिटायरमेंट के बाद इतनी सेवा कार्य कर रहे हैं, और हमें जहां तक जानकारी है लगभग 3 विश्वविद्यालयों में आपने शिक्षण कार्य किया है, खैरागढ़ विश्वविद्यालय, उसके उपरांत रविंद्र भारती कोलकाता में, और उसके उपरांत आप गैंगटोक सिक्किम में, अभी आप चेयर प्रोफेसर हैं वहां पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। 2 शब्द खाली मैं बोलूँगा, सभी जितने हमारे विद्वत यहाँ उपस्थित हैं सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। पहले नाम संगीता जी ने ले लिया है, इसलिए मैं समय को बचाने के लिए सभी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। संजय दादा मैं बोलता हूँ इनको भी। जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ एकेडमिक क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र तो अलग ही है, लेकिन जब एकेडमिक क्षेत्र में हम लोग मुसीबत में होते हैं तो हमको संजय दा याद आते हैं। अभी लेटेस्ट की बात, कुछ दिनों पहले की बात है, करीब 5-6 साल हुए हम लोग बोर्ड ऑफ स्टडी कर रहे थे, संजय दा ट्रेन में थे, आप बोर्ड ऑफ स्टडी के मेंबर थे, और उस समय विभागाध्यक्ष हमारे प्रोफेसर वी बालाजी थे। उन्होंने कहा ये मैं कोर्स भेज रहा हूँ, आप क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने ट्रेन में बैठ करके सारे कोर्स को डिज़ाइन किया। आप माने ये कितनी लगन, कितना वो समर्पण का भाव है कि ट्रेन में बैठ के पूरा डिज़ाइन करके कोर्स को, उसको ठीक करके और फिर से पुनः मेल द्वारा भेज दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है दादा, ये छोटी बात नहीं है कि आप ट्रेन में बैठे हों और पूरे डिजाइन तैयार करें और उसको भेज दें। अभी लेटेस्ट करीब 5-6-7 दिन पहले की बात है, हम लोग को एमिनेंस का दर्जा मिला हुआ है विश्वविद्यालय को, काशी हिंदू विश्वविद्यालय को, तो उसमें बात हो रही थी स्कोपस जनरल्स की। अभी हम लोग के लिए नया शब्द था, बहुत दिनों से स्कोपस जनरल्स की बात हो रही थी। हम लोग ने UGC के केयर लिस्ट की बात सुनी थी और बहुत से रेफरेट जनरल और ये सब बहुत सुना था, स्कोपस के बारे में नहीं सुना था। जब मैंने
डीन डायरेक्ट पे मीटिंग होती थी तो मैं वहां गया तो लोगों ने कहा आप लोग स्कोपस में क्यों नहीं छापते हैं। मुझे ये नाम कुछ नया सा लगा कि म्यूजिक के लिए स्कोपस क्या हो सकता है। तो मैंने अपने जो दूसरे डीन डायरेक्टर से उनसे कहा कि हमको कुछ उदाहरण दीजिए। उन्होंने 8-10 हमको पेपर्स उसमें से निकाल के मेल किया कि ये स्कोपस में छपे हैं, लेकिन अधिकतर वो म्यूजिकोलॉजिस्ट के थे और शास्त्र वो सभी फॉरेन स्कॉलर थे। इंडिया का कोई भी स्कॉलर मुझे नहीं दिखाई पड़ा स्कोपस म्यूजिक क्षेत्र में, स्कोपस जनरल। तो मैंने दादा से कहा ये बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, ये हमको स्कोपस में छापने के लिए बोला जा रहा है पेपर्स। तो बोले बहुत अच्छी बात है, आप लोग कर सकते हैं। यानी वो इतने लेटेस्ट चीज को भी कितने आराम से इसको कह रहे थे कि मैं भी कोशिश करूंगा। इस जगह पर आकर के दादा आप माने, जबकि सभी सभी चीजें प्रोफेसर पद हो गया, सभी कुछ हो गया, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि मैं स्कोपस के लिए मैं भी ट्राई करूंगा। और शायद दादा ने ट्राई भी किया और हम लोग को लेटेस्ट जानकारी के अनुसार 1 या 2 पब्लिश होने जा रहा है स्कोपस पर। तो ये हम लोग के लिए बहुत उत्साह की बात होती है कि हम लोग जब आपसे बात करते हैं तो ये उत्साह मिलता है कि इस उम्र में इस जगह पर जाके जब आदमी सोचता है कि अब आराम से हम केवल सितार बजाएंगे, वो बात आप में नहीं दिखी। आपने कहा नहीं मैं भी ट्राई करूंगा, ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। तो मैंने और हमारे दूसरे विभागाध्यक्ष उन्होंने भी तय किया कि हम लोग को भी कुछ कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बात मैं बता रहा हूँ जो मैं शेयर करता रहता हूँ दादा से और बहुत सलाह लेता रहता हूँ। आप संजय दा हमारे कई कार्यशालाओं में, सेमिनार में काशी हिंदू विश्वविद्यालय आते रहते हैं। सभी हमारे विद्वान जितने हैं सभी को हम लोग आमंत्रित करते रहते हैं और सभी बहुत ही प्रेम से, बहुत ही सहज भाव से आते रहते हैं। मैं सबका बहुत आभारी हूँ और खास करके सुप्रिया जी जिन्होंने इसको संयोजन किया, और हमारी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संगीता सिंह जी जिन्होंने इसका आयोजन किया। मैं एक कड़ी हूँ केवल आपके बीच, और दोनों की मेहनत है, मेरी कुछ भी नहीं है। मैं श्रेय ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, फिर भी एक संकाय प्रमुख होने के नाते जो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने पूरी करने की कोशिश की है। मैं सभी का बहुत आभारी हूँ। अभी एक दिन और बचा है कल का सितार व्याख्यान के लिए, और मैंने आज सभी को पोस्ट कर दिया है वायलिन फ्लूट और गायन का व्याख्यान वाला इसके बाद शुरू हो जाएगी। तो एक बड़ी यूनिवर्सिटी, एक बड़ा प्लेटफॉर्म जब BHU का होता है तो उसके विभागाध्यक्ष, उसके संकाय प्रमुख होने के नाते हम लोग की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी हो जाती है। इसी जिम्मेदारी को सोचते हुए निभाने की कोशिश की है उसको कि हम लोग सारे विषयों में हम लोग कुछ ऐसा विद्यार्थियों को दे पाए कि वो ऐसे संकट काल में जब घर में हो तो उसको वो संकट काल ना माने, उसको कुछ संपदा काल माने और अपने में सारी एनर्जी और सारा ज्ञान जो विद्वानों ने दिया है उसको संग्रहित करें और उसको अपने जीवन में उतारें। मैं बहुत आभारी हूँ सभी विद्वानों का। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ बार बार, इसलिए मैंने लिस्ट बनाई हुई है। और सभी का आभार, सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप मुझे बार बार इसका श्रेय दे रहे हैं, लेकिन आपके मार्गदर्शन और सपोर्ट के बिना यहाँ तक पहुँच पाना संभव नहीं था। तो आप ही को धन्यवाद कि ये व्याख्यान मालाओं के माध्यम से स्टूडेंट स्पेशली, और मुझे बहुत से स्टूडेंट्स का फीडबैक मिल रहा है कि इस पैंडेमिक काल में, जबकि उनकी जो क्लासेस थी वो एक तरह से हैम्पर हो गई थी, हालांकि हम सब की ओर से ये प्रयास चल रहा था कि उन्हें ऑनलाइन हम कुछ ना कुछ ऐसा हमारा उनके साथ इंटरेक्शन बना रहे, हम वीडियोज और ऑडियोज उनसे शेयर करते रहे, उनकी टीचिंग चलती रहे अनावरत रूप से। लेकिन ये जो व्याख्यान माला आयोजित हो रही है सभी विषयों में, इससे सभी स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फेसबुक लाइव पर भी बहुत स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, उनको बहुत लाभ हो रहा है और बहुत सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं इस बात से कि संकाय और विभाग की ओर से ये सारा प्रयास किया जा रहा है उनके लाभार्थ। तो अब
ये और समय न लेते हुए इस सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर पंडित संजय बंदोपाध्याय जी, उनके बारे में हमारे संकाय प्रमुख महोदय ने भी बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं, और मैं भी उनसे जब से संपर्क में आई हूँ पिछले कुछ सालों से, और स्पेशली 2013 में मैं उनसे शायद पहली बार रूबरू हुई थी। हालांकि उसके पहले उन्होंने हमारे संकाय में, जब हमने नया नया यहाँ पर ज्वाइन किया था, उनकी एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हुई थी 2006 या 2007 में, तो मैं बहुत प्रभावित हुई थी उनके संगीत से भी। और फिर 2013 में उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी थी कोलकाता में, और वो 5 या 6 दिन की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पूरे विश्व से बहुत ही बड़े बड़े एकेडमिशियंस और म्यूजिशियंस स्कॉलर सभी जुड़े थे, और उसका एक हिस्सा होने का मौका मुझे भी मिला था। और उस वक्त मैंने उनकी लीडरशिप, उनकी जो स्कॉलरली उनका एक अप्रोच है हर एक चीज को लेके, और जो एक डायनामिज्म है उनमें, और जो किसी भी इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की जो कार्यकुशलता, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज, वो सारी मुझे उस समय देखने को मिली। और मैंने उनको देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस में आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि प्रोफेसर बंदोपाध्याय ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उसमें एक ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हूँ। तो मैंने उनकी ये सारी, उनकी स्वयं की भी जो कार्यकुशलता थी उसको ऑब्जर्व करते हुए बहुत कुछ सीखा। और समय समय पर मुझे प्रोफेसर बंदोपाध्याय जी से, जब भी मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ, आई रिगार्ड हिम एज अ वेरिटेबल एनसाइक्लोपीडिया ऑन म्यूजिक। उनके पास चाहे उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो, संगीत का प्रायोगिक पक्ष हो या शास्त्र पक्ष हो, सभी के बारे में अगर मुझे कुछ भी, मुझे ऐसा लगता है कुछ भी मुझे जानना हो तो मैं उनके पास यदि जाऊंगी तो जरूर मुझे कुछ ना कुछ बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन या नॉलेज जरूर मिलेगी। और इस व्याख्यान माला के आयोजन के दौरान भी, जब जब मेरा उनसे जो भी इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने बहुत सी चीजें इसके दौरान भी मुझसे शेयर करी हैं, लॉट्स ऑफ डिफरेंट स्निपेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन और कुछ लिंक्स जिनसे, जिनको मैं देख के, सुन के, उनकी बातें पढ़ के, मुझे बहुत कुछ, मेरा ज्ञान वर्धन हुआ है। तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ प्रोफेसर बंदोपाध्याय की। और इसी तरह आगे भी वो हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और हम उनके ज्ञान का लाभ उठाते रहेंगे। और अब सभी पार्टिसिपेंट्स और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे पूरे देश से और कुछ विदेशों से भी, तो उनके लिए भी मैं एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन प्रोफेसर बंदोपाध्याय जी का अब आपके सामने रखती हूँ। प्रोफेसर पंडित संजय बंदोपाध्याय is a professor in music at the Central University of Sikkim. Earlier, he was the chair professor, Ustad Alauddin Khan Chair, at the Rabindra Bharati University, Kolkata. He is the founder director of the SM Tagore Center for Documentation and Research in Languishing and Obsolescent Musical Instruments, SMTC-DRLOMI. Professor Bandopadhyay served as an advisory member nominated by the UGC and Government of India for many universities, and was involved in several national and international research projects. He has an extensive global presence in both academic and artistic areas in top universities and organizations in the USA, Canada, European and African countries. These include his plenary session participation at the UNESCO Global Conference in Finland, George A. Miller Visiting Professor at the University of Illinois at Urbana-Champaign, Artist in Residence at the University of Chicago, Distinguished India Focus Visitor at the University of Alberta, or Bilateral Indo-Canada Conference at the University of Saskatchewan, to name a few. Pandit Sanjay Bandopadhyay received extensive training in sitar playing in Senia Shahjapur Imdad Khani and Rampur Senia Gharanas. A beautiful synthesis of the practices and knowledge of these three very famous schools of music can be experienced through his sitar renderings. Professor Sanjay had his major training in sitar playing from Pandit Radhika Mohan Moitra and Pandit Bimalendu Mukherjee.
He started learning music under the guidance of his father, Pandit Pijush Prasanna. Pijush Prasanna Bandopadhyay. He also learned with Pandit Manas Chakrabarty and Dr. M.R. Gautam. He had special opportunities of having blessings through intensive musical interactions with Professor Dhruv Tara Joshi, Pandit Ajay Sinha Roy, Pandit Gajanan Rao Joshi, and Pandit Shankar Ghosh. He is a top grade sitar player of the All India Radio and has more than a dozen commercial, national, and international audio publications to his credit. Pandit Bandopadhyay has produced several excellent musicians. Some of them have become celebrities in the field of Indian classical music. तो बातें बहुत हैं इनके अचीवमेंट्स इतने बड़े हैं लेकिन छोटे से मैं आज आपके सामने कुछ बातें आपको प्रोफेसर बंदोपाध्याय के बारे में पता चली अब और समय ना लेते हुए ये सत्र प्रारंभ होने जा रहा है प्रोफेसर बंदोपाध्याय जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ और ये जूम का मंच उन्हें सौंपती हूँ और इसके पहले कि ये सत्र प्रारंभ हो क्वेश्चन आर के लिए रोज की तरह जो फोन नंबर है जिसपे आप हमें अपने प्रश्न भेज सकते हैं वो मैं अनाउंस कर रही हूँ 9519127535 व्हाट्सएप या एसएमएस के द्वारा इस पर आप 12:50 तक भेजने का प्रयास करें अपने प्रश्न और हम निश्चित ही प्रोफेसर बंदोपाध्याय के सामने आपके प्रश्न रखेंगे और उनसे उनके उत्तर पाकर और हमारा ज्ञानवर्धन होगा तो अब मंच प्रोफेसर संजय बंदोपाध्याय जी की उनको आमंत्रित करती हूँ मैं नमस्कार हाँ बताओ मुझे इतना प्रोटोकॉल्स और फॉर्मेलिटीज हमसे तो बनती नहीं है थोड़ा बहुत सितार सीखा हो जो भी बड़ों की जो आशीर्वाद गुरुओं के जो आशीर्वाद से जो भी बन पाया है फिर भी लगता है कि मैं ना मतलब अकबर बादशाह का क्या था नौ ही रत्न थे लगता है कि शतरत्न सभा में आ गए और क्या बताए बोलना तो पड़ेगा राजेश भाई उनको क्या बोले प्रोफेसर राजेश शाह पंता नहीं है संगीता जी सुप्रिया जी और कई पुष्पा जी को भी देखा है मैंने वीरेन भाई को भी देखा है तो वो लगता है कि मैं अपनी जगह पर हूँ तो उसमें क्या धन्यवाद क्या क्या हमें समझ में नहीं आता और मैंने एक दो टर्म शायद एकेडमिक काउंसिल आपके साथ भी काम किए हैं कई बार जाते रहे तो क्या बता कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका दिया कि एक बार मिलने को हो गया ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है और जो है कि और चार लोगों को मैं धन्यवाद सुप्रिया ये पुष्पा की कितना अच्छा लग रहा है आपको स्क्रीन में देखकर तो और जो है ये सब पैसा जी चलो क्या बढ़िया बताया आपने क्या बात चलो ठीक है तो मैं सबको जानता हूँ अरे अनुपम क्या बात कितना कुछ बात उतना कुछ मुझे नहीं मालूम बहुत कुछ सीखने को मिला एक्सेलेंट तो हाँ पंकज माला जी बाप रे बाप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पर देखा 2013 में उसके बाद तो नहीं मेरे ख्याल से उसके पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप नहीं थे एनीवेज तो मुझे तो आप सबको प्रणाम करता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सही बात और इसके साथ अरे साहित्य भाई क्या बात बहुत अच्छा वो संगीता जी आप बदल ही गई है मतलब आपको जो लास्ट देखा था और अभी जो देखा थोड़ा सा और डिफरेंट लग रहा है तो एनीवेज तो लग रहा है कि ये बहुत अच्छा हो रहा है बहुत और अच्छा होता है कि वर्चुअल सिचुएशन में थोड़ा सा आप लोगों का कुछ कुछ जो है अनम्यूटेड रहता तो थोड़ा बच जाता वाह वाह क्या बात है ये होता तो उससे और अच्छा कभी होगा टेक्नोलॉजी ऐसी भी डेवलप कर जाएगी और मैंने तीन चार लोगों को और थोड़ा सा याद करना चाहता हूँ जैसे ये टेक्निकल सपोर्ट अगर ना हो तो ये कुछ नहीं होता तो बिहाइंड द कर्टन कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं और हमारे संगीता जी कई बार अंजलि जी का नाम लिए हैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आप थोड़ा संभाल लीजिएगा कि ठीक ठाक चलते रहे और ये जो इधर का जो सेटअप है पहले का सेटअप क्या था कि बीच में मैं गया अगर कुछ करने के लिए तो उनका पूरा सेटअप होता था मतलब फ्रॉम द सोर्स जैसे माइक्रोफोन उनका
सोर्स, लेकिन इधर से सोर्स जनरेट हो रहा है हिमालय से, हम तो हिमालय के ऊपर बैठे, आप जहां पे क्लाउड देखते उसके ऊपर हो, तो ये यहाँ का जो पार्ट है ये भी मैं समझ सकता बीच का सेटअप का पार्ट है, पूरा अरेंजमेंट का पार्ट है। इसमें जो है ये मैं आपसे कुछ नहीं जुड़ पाता, अगर मेरा ही स्टूडेंट जो हम मेरे साथ रहते हैं शुभम पीटर गजमेर, वो नहीं जुड़ जाते, और आप ही का बच्चा डॉक्टर संतोष कुमार आपके वहां से पीएचडी हुए सर, शायद पूरा पढ़े आपके वहां से किए हैं, अब यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर है, उन्होंने बहुत बहुत हेल्प किया, और मेरा एक स्टूडेंट है जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में है डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा, उसको टेस्टिंग के लिए कि जूम में कितना जाता है, उस पर रिलेटिव क्या है, मेरिट्स क्या है अलग अलग प्लेटफॉर्म का, ये सब देखना प्रज्ञा ने बहुत हेल्प किया। तो ये चार अंजलि, हमारे शुभम, हमारे संतोष जी और प्रज्ञा, इनका नाम तो लेना पड़ेगा, और आई थिंक दैट इज अ पार्ट ऑफ द होल सेटअप। तो मैं अपनी बात पर आ जाता हूं, हमारी जो मैं हिंदी में टाइटल बने थे वो उसका डिस्प्ले नहीं हुआ, सूक्ष्म की संकल्पना से विशाल की यात्रा, मेरे गुरुओं की एक सीख, वो अंग्रेजी में ये हुआ था कि कंसेप्चुअलाइजिंग द माइक्रो टू रीच द मैक्रो, ए स्मॉल म्यूजिक लैंटर्न फ्रॉम माय रेवर्ड गुरुज। तो इस हम जाएंगे बाद में जाएंगे इसका बात करेंगे, अब तो वेस्टर्न, ये तो हम वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं है कि एकदम पिन पॉइंट जाना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर उधर के बात हम करती है तो मैं भी करूंगा। ये 8 दिन 8 लेक्चर शायद हुआ इसके पहले, या 7 हुआ होगा, एनीवेज आई माइट बी रॉन्ग। मैं ना स्टूडेंट जैसे मैं सबका लेक्चर मैंने बहुत प्रेम से पूरा पूरा क्वेश्चन आंसर के पहले में चला जाता था, लेकिन पूरा पूरा लेक्चर सुना, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मैं समझता हूं कि निकला है। और मैं अभी थोड़ा जो जो विद्वान लोग हैं उनको थोड़ा सा खटाक में था, मतलब बच्चों से थोड़ा बात करना चाहता हूं, आप लोगों की इजाजत हो तो मैं समझता हूं कि इसको स्प्रिंग बोर्ड बना के जो लेक्चर आप लोगों ने सुना है उससे कम से कम 5-7 स्कोपस इंडेक्स या वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल में पब्लिकेशन तो हो ही सकता है, ऐसे मेरे अपनी मंदबुद्धि तो यही बोलता है। और स्टूडेंट्स को ये देखना चाहिए कि इसमें क्या आया है, व्हाट आर द आइडियाज दैट केम आउट, व्हाट आर द एग्जैक्ट पॉइंट्स दोस केम आउट, तो उसको आप लोग तो नोट किए होंगे। आई अंडरस्टैंड ए स्कॉलर मस्ट बी हैविंग अ नोटबुक विद हिम और हर ऑल द टाइम when he is listening to something so important like ye jo chal raha hai, to aapke paas notebook to raha hi hoga by chance, kyunki yahan bachcho ko itna aadat nahi hai, ye ya to shastra ke lecture mein shayad rakhte hain, ye to gaane bajana ka, to iska zarurat kya hai karke nahi liye honge, agar aisa hua hoga you still have the recording in the Facebook, you can download the recordings, to usme jo informations aaya hai usko aap categorize kar sakte, तो आपको अलग अलग कैटेगरी में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो अलग अलग घराने के ऊपर बात हुई है, इसमें थोड़ा सा अब ये तो विद्वान के ऊपर, मैं थोड़ा सा सोचता हूं कि हम लोग इसको घराने की शैली बोलते हैं, वादन शैली, उसके बारे में मेरा थोड़ा सा एक सोच आया है कि जैसे मान लीजिए प्रतीक जी बजाए हैं, वो जयपुर घराना रिप्रेजेंट किए हैं, तो ये तो प्रतीक जी का उसमें जयपुर घराना का पक्का रहा होगा, लेकिन उसमें प्रतीक जी का भी था, तो उसको जैसे पूरा उनका प्रतीक जी का अगर 50 परफॉर्मेंस बच्चे ने एनालिसिस करे या 100 परफॉर्मेंस एनालिसिस करे, उसमें एक पैटर्न दिखेगा। वो पैटर्न जो है ये जो है ये प्रतीक जी का पैटर्न है, और उसके बाद और 100 रिकॉर्डिंग अगर देवूदा का एनालिसिस करें उनके उस्ताद, और ऐसे जो रिकॉर्डिंग मिलता है वो मुस्तक अली खान साहब का एनालिसिस करें,
और एक एक मिनट का एनालिसिस करें, जैसे आधे घंटे की रिकॉर्डिंग है तो 30 पार्ट में अलग अलग तोड़ के अलग अलग डिवाइड करके डिटेल एनालिसिस अगर हो, एनालिसिस करने के बहुत से नजरिया हो सकता है। तो जो पैटर्न मुश्ताली खान साहब, देबूदा और प्रतीक में आया है, विच इज स्टिल प्रिवेलिंग, मेरे ख्याल से वो घराने के वादन शैली है। और इसके अलावा, और जहां नहीं मिल रहा है आपको, मान लीजिए आशिक अली खान साहब का नहीं मिल रहा है, तो मुश्ताक अली खान साहब कॉन्टेम्प्रेरी, उनके चेला अगर और होगा, उनका अगर रिकॉर्डिंग होगा, उसको देखा जा सकता है। तो वो सेम पीरियड का, सेम जो जैसे इनके गुरु भाई बहन है, जैसे देवू, जैसे प्रतीक जी के साथ साथ अनुपम जी को, इंद्रानी को भी ली जा सकती है। इन लोगों का अगर, इन लोगों का तीन का अगर रिकॉर्डिंग पूरा बजाना एनालिसिस की जाए, तो जो कॉमन कॉम्पोनेंट्स है वो जो है थर्ड जनरेशन का पार्ट, माने जो गिवन अवे, माने जो जो सामने आया है वो कॉम्पोनेंट सामने आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ वो जो है यहां तक तीन पीढ़ी, क्योंकि मैं उस्ताद जी, मेरे पंडित हरिकुमार मत से सुना था, ये सब्यसाची भी कल भी बताए थे कि तीन पीढ़ी से घराना बनती है। तो लास्ट पीढ़ी में जो बजा रहे हैं उसको तो हम घराने के एलिमेंट ऐसे ही उनका दर्जा नहीं दे सकते, हमें तीन पीढ़ी को देखना पड़ेगा, क्योंकि उनका अपना कंट्रीब्यूशन हो सकता है ना। प्रतीक ने जो बजाया उससे बहुत कुछ उनका अपना चिंतन भी हो सकता है। तो ये जो है प्रतीक घराना बनेगा, उनके उनका लड़का, उनके स्टूडेंट जब बन जाएगा तो प्रतीक घराना बनेगा। अभी बिलाद खानी घराना बन सकता है, अभी इमदाद खान को तो जरूरत नहीं है, क्योंकि बिलाद खान साहब को तीन चार पीढ़ी हो गया। रविशंकर जी का घराना बन सकता है ना, कि लेकिन रविशंकर जी रामपुर से नहीं थे, माहियाड़ी नहीं थे मेरे ख्याल से। आप लोग बड़े, आप लोग ज्यादा समझते हैं, आप लोग इसके बारे में सोचिएगा। तो ऐसा का कंपोनेंट अगर एनालिसिस हो जाता तो बच्चों के सामने 15-20 हजार डेटा पॉइंट आ ही जाएगा, या लाखों डेटा पॉइंट आ सकता है। लाखों डेटा पॉइंट एनालिसिस करके स्कोपस भी या वेब ऑफ साइंस में पब्लिश हो जाता है, बस सिंपल सी है और कुछ नहीं। यह हो गया। और जो है, और कहां कहां से मिलता है इसको बोलने का जरूरत है, सब दूर है। यूट्यूब तो बहुत अच्छा, यूट्यूब पे बहुत बढ़िया रिपोजिटरी है। फिर जालपुर यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट एंड रिकॉर्ड्स है, उसमें जो है वो ब्रिटिश लाइब्रेरी के, ब्रिटिश काउंसिल के लिए काम किया है, ब्रिटिश लाइब्रेरी के लिए, वहां पे बहुत से रिकॉर्डिंग्स है। अपने बीच में होगा, मुझे मालूम है देवूदा बहुत से रिकॉर्डिंग्स किए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत से रिकॉर्डिंग्स है, ईयरसी में है, गुड़गांव में है, कहाँ कहाँ है, प्राइवेट शॉर्टबुड़ीदा के पास है, शॉर्टबुड़ीदा अभी नहीं है, उनके बाबूजी के पास है शांति निकेतन में, इसका मुंबई में है, मुझे नाम याद नहीं रहा है, बहुत अच्छे कलेक्टर्स है, सो मेनी कलेक्टर्स, हैदराबाद में है, निजाम के घर में होगा। तो इतना फाइंड आउट रिकॉर्ड है, संगीतान अकेडमी में है, ITCSRA में है, तो आप ले सकते हो। तो आप, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि इतना बड़ा आयोजन जो आप नहीं मालूम, उनको प्रणाम, जिनका आइडिया है कि इस पीरियड को काम में लगाना पॉजिटिवली, तो मैं सीधे से राजेश भाई का नाम तो ले ही सकता हूं, जो अतिरिक्त प्यार से मुझे अभी चेयर प्रोफेसर बोल दो, मैं चेयर प्रोफेसर नहीं हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं रविंद्र भारत में चेयर प्रोफेसर था, खैर कोई बात नहीं। तो उनको प्रणाम करता हूं कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम कुछ पेपर्स अगर इसका आउटपुट के हैसियत से, उस पे हिसाब से पब्लिश हो जाए स्कोपस या वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल में। और ये मैं समझता हूं, मेरे पूरे विश्वास है कि संभव है। इसके बाद जो है हम अपना टाइटल में जाते हैं। टाइटल में एक कंपोनेंट है कि मेरे गुरुजन, मेरे गुरु, तो उनके बारे में दो चार बातें बताया था, उसमें आपको अच्छा लगेगा कि एनेक्डोट फॉर्म में है और भारी नहीं पड़ेगा। तो मैंने पहले अपना, अपने गुरुजी, मैं उस्ताद जी बोलता था, हम उसे उस्ताद जी बोलते हैं, पंडित राधिकांत मित्तल जी के बारे में बोलता हूं, और बच्चों को भी ये इंटरेस्टिंग लगेगा कि जैसे मेरा सीखने का समय, सप्ताह में एक दिन सिखाते थे, तो मेरे सीखने का समय
मतलब बुधवार को 9 बजे है, तो मैं 8:55 के सीतर लेकर 8:55 में 8:55 उनके घर के सामने थोड़ा सा दूर, मुझे ना देख पाए ऐसे जगह में आड़ा थोड़ा सा वैसा करके आड़ में खड़ा रह जाता। उनका दरवाजा जो है 8:59 में खुलता था और उसमें मैं घुस जाता था, और जिस दिन देर होती थी एनीवेज 9:01 में दरवाजा बंद हो जाती थी। और इस 2 मिनट में अगर हम लोग नहीं घुस पाए, जो भी एक एक को सिखाता था, इंडिविजुअल ट्रेनिंग होता था, नहीं घुस पाए तो वो नहीं सीख सकते। और वो क्योंकि 60 किलोमीटर दूर से भी लोग आते थे, गुन्नगर से भी आए, कहीं से भी आए, वर्धमान से भी आए, तो बस उसको पहले आना है और 2 मिनट में घुसो, नहीं तो फिर वापस चले जाओ। उसके बाद सितार खोल के बैठ गए, सुनाओ साज मिला के, तो मुझे जो बन पड़ा सुना दिए, फिर 2-4 गाली वाली खाए, ऐसा होता है, ये राग ऐसा सिखाए, ये हो गया। जिससे नहीं हुआ मैं दुखी हो जाता था, बोले उसका जी का बोले मूड नहीं है। उसका उन्होंने 5 मिनट सिखाया साहब, 5 मिनट से 10 मिनट, और जो बताएंगे मैंने मेरे मैं 18-20 साल उनके पास सीखा हूं, तो मुझे याद है कि दरबारी कांगड़ा में उनको 2 फ्रेज 4 बार बोलना पड़ा था, रिपीट करना पड़ा था, वो जो मेरे पूरे जिंदगी में सबसे ज्यादा है, लाइफ टाइम विथ हिम, नहीं तो मोस्टली 1 बार में, नहीं तो 2 बार में, जो थोड़ा सा एरर हुआ 2 बार में, और वो बहुत इरिटेटेड हो जाता है अगर 3 बार बोलना पड़ा। उसको बोलते थे कि काटता है, बिच्छू काटता है, तुम लोग को सिखाना अगर ऐसे किसका होता, मेरे साथ तो हुआ नहीं ऐसा, मैंने सुना है, बोले तुम लोग जैसे करते हो ना काटता है बिच्छू, सिखा नहीं सकते। और कापी, अरे बाप रे, उसको कापी लेकर जाए तो अंदर ये है कापी तो उड़ेगा। तो जो उन्होंने 5-10 मिनट सिखाया उतना भी नहीं चला, नर्वस हो गया ना राजेश भाई, ऐसे बड़ी बड़ी बात कह दी। खैर तो आप एक बार बोलेंगे आपको उठाइए फिर जाओ भागो, उस वक्त निकाल के घर पहुंच के फर्स्ट थिंग रोटेशन कॉपी में लिख लो क्या उस्ताद जी ने बताया है। उसके बाद उन्होंने 10 मिनट बताया, 56 घंटा पेल डालो उसको, 8 आवर्स अ डे, मतलब 8 × 7 = 56 आवर्स पेल डाल के वो 10 मिनट का सिखाना, 20 मिनट बनाओ फिर ले जाओ। और उस्ताद जी कभी नहीं चाहते थे कि उनका कोई बच्चा उनका जैसा बजाए, ही नेवर वांटेड। और बुद्ध ने बोला कि बुद्ध उनका जैसा बजाते ही नहीं है, वो तो पर्सनल जैसे म्यूजिशियन ग्रो कराना चाहते थे। समरदा उनका कॉपी है, समरदा सिद्धा, लेकिन वो बस उनका करके मैं तो बजा लिया, मेरा जैसे बजाओगे तो कौन सुनेगा, तो मेरा सुनेगा भी। तो चले गए, उसके बाद 56 घंटा बजा के आ गए, 56 घंटा हुआ, 50 घंटा जो भी, मतलब लंबा बजा के आ गए। उसको फिर 20 मिनट सुना, उसमें झारखंड उसमें करेक्शन सुना, करेक्शन हो गए, क्योंकि उतना तो याद, इतनी बड़ी बंदिश है वो है, ये कहाँ याद रहेगा, थोड़ा बहुत तो गड़बड़ हो गया, तो उसको ठीक कर दिया, बस हो गया, फिर उसको मैंने घर जाकर ठीक कर लिया। दिस इज अ प्रोसेस, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि अभी जो है ओवर एक्सपोज टू द माइंडेड इंफॉर्मेशन, ये अच्छा मैं नहीं मानता। मुझे लगता है जो भी अच्छा गाते हैं बजाते हैं, ज्यादातर जो है, ज्यादातर देयर माइट बी एक्सेप्शंस, ऐसे बहुत अच्छा जानकार अच्छे वाले भी है, गायक भी है, लेकिन मेरे ख्याल से जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको अप्लाई करते बनना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आप जानो उसको अप्लाई कर लो, अप्लाई करो, बजाओ भाई, इतना जान के करोगे क्या, खट तोड़ी फलाना ठिकाना वो तो ठीक है, बृहन्नट हाँ, कामोदनाट गाते वाले गाओ तो ठीक है, नहीं तो काहे का कामोदनाट, काहे का वो ये सब रहा, काहे का मुश्किल चीज, और सवागुन में चलना है, सवागुन आएगा ना, और सवागुन अगर सीखो तो सवागुन बजाइए, फिर जान गए ये इसको क्यू आर बोलते, इसको बी आर बोलते, इसको
आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। ये हो गया तो उन्होंने हमें फिलोसोफी बोलते थे कि मंत्रों में बजाओ, मध्यों में बजाओ, तान में बजाओ, इस ढंग का तान करो, ये तान का डिजाइन ऐसा है। मुझे एक बार उनको पूछा, उस जमाने में मिलाद खान साहब छोड़ के कोई ये सब कठिन तान नहीं बजाते, मैं नहीं सुना था ये जो मीड़ की तान, मैं जब समय जिस समय की बात कर रहा हूँ 80s में कोई नहीं बजाते थे। और मिलाद खान साहब, रविशंकर जी, निखिल दा, ये उस ढंग के जो म्यूजिशियंस थे, हम उनको भगवान मानते थे और हम सोचते थे कि ऐसा सितार और कोई नहीं बजा सकता। और उस जमाने का जो कॉन्टेम्पररीज भी समझते थे कि ये जो इनका इनका जैसा सितार और कोई नहीं बजा सकते, इसीलिए बियॉन्ड इमेजिनेशन था। तो उनसे सुन के आया कि भाई यमन में, यमन कलर में ऐसा ऐसा बजा रहे कि धैवत का पर्दा टूट गया, तो धैवत का स्वर लेकर ही बीट मार रहा है, तो कैसे बजाते भाई, क्या बजाते, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं उस्ताद जी के पास आया, मैंने कहा उस्ताद जी एक चीज डर डर के बोले, एक चीज पूछे, बोले कहा ये भीड़ में जो तान बजाते वो कैसे करते, क्योंकि उन्होंने तो उस जगह तान नहीं सिखाए थे। तो मैं उसमें क्या है, निधा नि रे सा निधा नि धा रे सा रे नि रे धा नि धा सा धा नि रे गा गा रे सा नि धा सा, बजाओ अलग अलग पर्दे से शुरू करो, अलग अलग पर्दे खत्म करो, हो गया, हट जाओ। That was a training. हो गया, अच्छी बात, बात तो सही है, गलत तो है ही नहीं। और तुम धानी धानी रे, अब धानी धानी रे कैसे निकले मैं बताऊं कि तुम करोगे, मेरा काम है कि ये कराना कि धानी धानी रे मैं बैठा रहूं और तुम करो और तुम बेसुरा बजा, तू मैं नहीं कर सकता। मैं बता दिया रास्ता, गुरु का काम है कि अंधेरा में रास्ता दिखाना, दिया दिखाना, दिया दिखा दिया, बाकी उजाला तुम बनाओ। ये जो है मेरे उस्ताद जी, जो मुझे कभी सोचा ही नहीं था, उन्होंने कुछ सिखाए थे। तो गौतम जी उनके गुजर जाने के बाद खैरागर में गौतम जी, वो हमारा ठाकुर यादव सिंह जी आए थे। तो गौतम जी जब मेरे परिचय कराए उनसे, तो गौतम जी बोले, गौतम जी से मैं सीखा, मैं उनके भी शागिर्द हूँ। गौतम जी बोले कि ये राधुओं के स्टूडेंट है, ये बड़ा अच्छा, जो भी उन्होंने कुछ तारीफ आ रही है, तब मैं समझ आके मेरे उस्ताद जी कुछ तो कुछ सिखाए होंगे कि गौतम जी बोल रहे हैं ठाकुर यादव सिंह जी। तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब एक एक दिन था उस दिन। इसके बाद बोलते ये सब इतनी बड़ी बड़ी मैंने बातें हो रहे हैं ना, गोस्वामी जी बोल दिए 12 अंक के आला, ऐसा खोल दिए, खोल तो नहीं बन जाए, हमसे मेंशन तो किए दिए, नाम कर दिए नाम। मैं बताओ कि टाइम बहुत हो रहा है क्या, बहुत बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक। तो अजय सिन्हा राय जी करके एक देखते कलकत्ता में, जलाउद्दीन खास शास्त्री कल नाम दिए थे, उनके पास अच्छे अच्छे उस्ताद सीखे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उन्होंने लोगों ने नाम नहीं लिए हैं, अच्छे अच्छे जिनको हम पूछते हैं, ऐसे व्यक्ति भी उनके पास गए हैं, मैं भी गया हूं। मैं कभी कभार जाती, इट्स नॉट रेगुलर विजिट, वंस इन अ वाइल, क्योंकि वो मेरे पिताजी के मित्र थे। तो उन्होंने गए तो मैं शाम को जाता क्योंकि LIC में काम करती थी, लाइब्रेरियन फॉर LIC कलकत्ता मेन ब्रांच। तो एक तो शाम को जाता था, सभी लोग पहुंचते थे, कई लोग, मैं नाम लेना अच्छा नहीं है क्योंकि ये लोग कुछ लोग सब गुजर भी गए हैं, इतने बहुत बड़े अवार्ड, बहुत बड़ा सम्मान लेकर गुजर भी गया है, लेकिन उनका नाम नहीं लिए है। अजय सिन्हा जी का नाम कभी भी नहीं लिए है, जबकि बहुत कुछ उनसे मिला है। तो उन्होंने बोले कि संजय सुनो, अलग से बुलाए, लिखा बोले 5 बजे ना 5 नंबर के बाद छूटती है गरिया से, कलकत्ता की बात है, साउथर्न एंड टू नॉर्थ एंड, वो हावड़ा जाती है, तुम कल जो है या फला दिन दिन बताया, बस 5:30 बजे आ जाना सुबह। तो चले गए, बस पकड़ के उनके 5:30 बजे पहुंच गए, काफी मैं कुछ ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करा है, 6 बजे लगभग 6 बजे हम लोग बैठ गए। उससे बोले कि देखो ऐसा कि ये सब बातें सबके सामने बताना ठीक नहीं है, तो ये द्वादश संघ आलाप है, तो द्वादश संघ आलाप उन्होंने सिखा। कहने का मतलब ऐसा कर रेवड़ी बांट दी जाए ना, तो उसके इस्तेमाल क्या होगा, और थीरी से कुछ होता नहीं है अनलेस यू अप्लाई इट, धीरे धीरे बनकर रह जाता है। फिर बिमलेंद्र मुखर्जी की बात क्या कहे,
विमलेंदु मुखर्जी, पंडित विमलेंदु मुखर्जी, तो उनसे मैंने दिन में 3 घंटा, सप्ताह में 5 ये सीखता था, दिन में 3 घंटा, सप्ताह में 4 days a week, 3 hours a day. उन्होंने सितार का जो सिखाना है वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन सितार अच्छा बोलेगा कैसे? मेरा कॉम्प्लेन था कि मेरा सितार बहुत अच्छा नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं, टारपेंटाइन ऑयल ले लो, फिर यहाँ पे इंजेक्शन सीरीज ले लो, फिर पुश कर दो अंदर, इधर से जो है थोड़ा सा छोटा सा ग्रुप बना दो. हरविंदर भाई आ गए, क्या बात, क्या बढ़िया प्रेजेंटेशन था इनका, लेकिन बहुत छुपा के चले गए, थोड़ा सा ही बताया, हम लोगों को बहुत कुछ नहीं बताया, मैं तो गधा आदमी मैं बोल रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं. तो उन्होंने जो है साइकोलॉजिकल सिचुएशन, जैसे आप बजाओगे तो आपका साइकोलॉजिकल कैसे आपका मन चलेगा, कैसे आपका फिजियोलॉजिकल आपका टॉर्सो का पोजीशन क्या हो, जैसे लंबा मीर खींचते हो तो आपका कौन सा मसल कैसे काम करेगा, किस ढंग का मूवमेंट होगा, आपका टॉर्सो सामने जाएगा कि विराट खान साहब देखिए और बहुत गौर से देखिए तो आपको समझ आती है बड़े मीर खड़े तो क्या जाते हैं. राइट हैंड में जब स्पीड में बजा रहे हो तो मिर्जा का कौन सा हिस्सा जाएगा, जब कम बजा रहे हो किस ढंग का टोन में क्या होगा, नहीं होगा, साज मिलेगा, तो ये ऑक्टिवम जो सिचुएशन है इस टेम्परेचर में बढ़िया बढ़िया कौन सा स्केल है, क्योंकि हम तो वेस्टर्न स्केल में मिलाते नहीं है. मेरा स्केल अभी जो है D-23 Hz, वी डोंट टीयर सी शार्प डी, नो, सितार जहां बोलेगा वहां मिलाएंगे ना, और सितार तो इंडियन इंस्ट्रूमेंट है, ये तो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है नहीं, और टेम्परेचर का चेंज होने से सितार का चेंज हो चाहे ह्यूमिडिटी का होने क्वाइट नेचुरल वुड के ऊपर इम्पैक्ट आता है, तो वो कैसे उसको करें, फिर उसको उस हिसाब से मिलाए, फिर सा मिलने से क्या क्या ओवरटोन्स आएगा, फिर एक स्ट्रोक मारेंगे तो अगर लंबा मीर करनी है तो स्ट्रोक जैसे एक स्ट्रोक के बाद ये स्ट्रोक का डिकेज राइज एंड डिकेज कैसा होता है, तो 3 राइज होता है और एक एक एपिक पॉइंट टॉप पॉइंट है वहां से मीर खींचना पड़ता है. ये सब बातें सब उन्होंने बताया कि भाई आप जो है बजाओगे नहीं, आप तो बैठे रहोगे, म्यूजिक तो प्रभावित होता जाएगा. तो रियाज करना तो ठीक है, रियाज तो आपको करना पड़ेगा. देख कोई कहता है कि हम 16 घंटा 12 घंटा, अरे वो तो करना ही है भाई, मैं तो सितार घिस घिस के भाई रियाज किया था, तो इसको हमें बदलना पड़ा, ये निकालना पड़ा, तो वो तो सबको करना पड़ेगा, तो हरविंदर भाई को ही करना पड़ा होगा, साहित्य भाई को ही करना पड़ेगा, उसमें वो बोलने का क्या है कि रियाज करना, रियाज तो नहीं है, लेकिन बुद्धि से रियाज करो, जो जरूरत है वो रियाज करो. मैं बिलाल खान साहब के साथ मैं 4 दिन था उनके सेवा के लिए, भिलाई में हमारे कारागार में आए थे ऑनरेस कॉजा डिलीट के लिए, तो मुझे उनके साथ मैं उनके था एक ही छत पर था, तो उनको मैंने पूछा, मैं तो रियाज करते थे जैसे आपको बताई दिया, तो और सुना था कि उन्होंने भी बहुत रियाजी थे, विलायत खान साहब की बात करते कि बहुत रियाज करते थे. तो विलायत खान साहब को पूछा कि खान साहब इजाजत हो तो कुछ पूछे, बोला हाँ बेटा बोलो, बोले रियाज क्या करना चाहिए. तो मुझे लगा कि पलटा पलटा वैसा रे सागा रेगा रे सगा रेगा सारे सारेगा रेगा रे, ये सब बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे खास चीजें. मैंने सुना कि इमदाद का वो लोग ये रियाज करते हैं, सुना तो वेरीफाइड नहीं है. तो उनको पूछा भाई क्या रियाज करें आप थोड़ा सा बताएंगे, तो उन्होंने बताया कि अरे जो नहीं आता है वो रियाज करो. तो मेरा उम्र 25-26 साल था, मुझे सोचा मुझे लगा कि ये जो है छिपा दिए बताएंगे नहीं, क्योंकि मैं तो उनके शागिर्द हूं नहीं ना, तो बताएंगे नहीं छिपा दिए. और मैं तो देखो मैं बहुत बिलीवर नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही खराब लड़का था बचपन से, और मैं कुछ उतने उस ढंग का नहीं हूँ जो आप लोग जैसे हो, ऐसा कतई नहीं हूँ. आई वॉज काइंड ऑफ रेबल काइंड ऑफ बॉय. मैं सितार इसलिए बजा रहा हूँ कि मेरे पिताजी ये नहीं चाहते थे कि मैं सितार बजाऊ, इसलिए मैं सितार बजा रहा हूँ उनके चैलेंज के रूप में, ये बात है. वो चाहते मैं साइंटिस्ट बनूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँ, तो यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाने के लिए साइंटिस्ट नहीं बन पाया. तो मेरी बात जारी है शायद अच्छे से. तो
विराट खान साहब तो बोल दी कि जो नहीं आता है वो बजाओ, मजा नहीं आया। तो उसके बाद डर डर के फिर से पूछा कि खान साहब ये बताएंगे कि कितने देर तक बजाया जाए। तो मैंने सोचा कि इतने रियाज है, बताएंगे 16 घंटा 18 घंटा तो बजाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा। उन्होंने क्या उत्तर दिए बताइए, इसी तो चाहिए। हरविंदर भाई भी तो बैठे विराट खान साहब के शागिर्द, यार इसे सब ये सब खोल खाल कर नहीं दिया तो इनका भी बंदा है, हरविंदर भाई का भी बंदा है, कैसे करते हो। खैर वर्चुअल का मौत इधर ही है। तो बोले कि जब तक नहीं आता, इससे अच्छा टिप्स मुझे जिंदगी में नहीं मिला। जो नहीं आता उसको रियाज करो, और जब तक नहीं आता तब तक उसको रियाज करो, सिंपल। तो हम सोचते हैं, बच्चों के लिए बोल रहा हूं, ये अच्छी बात है, ये अच्छा लग रहा है ना कि आपका आप चेहरा दिख रहा है, विराट खान साहब से सीख लो, क्या बात है। और विराट खान साहब मेरे उस्ताद के एक सब ऐसा था समझे सब। उनका जो मोस्ट प्रेशियस डॉल जो है, जो पूरे मैं बताई देता हूँ इन सेंस, जो हरविंदर भाई दिख गए कि पन्ना का था पूरा डॉल, और उनका आंख था उसमें रूबी में, वो बेस्ट आर्टिस्ट करके उनको उन्होंने दिए, बोले मिला दिया तुम्हारे लिए रखा हुआ है। उनका लास्ट मतलब वो तो बहुत जमींदार थे, बहुत बड़े पैसे वाले आदमी थे। खैर हट रहा हूं मैं, आपने हमें खत्म भी करने है, समय ज्यादा नहीं है, 15 मिनट में खत्म करने, फटफट कर देंगे। तो विराट खान से इससे ज्यादा अच्छा टिप नहीं मिला। और बच्चों में क्या प्रॉब्लम होता है, बच्चे बोल सोचते हैं कि हमें अच्छा बजानी, अरे अच्छे बजना होता क्या है। कोई भी चीज आपको आपको अगर करना है तो यू हैव टू डिवाइड देम इन कंपोनेंट्स एंड मेजर, कॉन्स्ट्रक्ट्स एंड मेजर। अच्छा बजाना मतलब क्या होता है, उसके कॉम्पोनेंट्स क्या है जिससे अच्छा होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। फिर एक एक कॉम्पोनेंट आपको हासिल करना पड़ेगा, फिर उसको एसिमिलेट करना पड़ेगा, और उसको अच्छा कैसे समझा जाए। जैसे मीर सभी लोग बजाते हैं, अब हरविंद भाई इतना अच्छा मीर बजा दिए, और भी लोग मीर बजाते हैं, तो उनके साथ दूसरे का अंतर है कि नहीं है, तो जो है सो है, तो अंतर क्या है, तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड हाउ यू कैन मेजर दैट। यह बहुत सिंपल सोशियोलॉजी का थ्योरी है, ये रिसर्च का थ्योरी है, सभी लोगों को मालूम है। मैं बड़ों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, और बड़ों में बहुत ज्यादा मैं ठीक है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है बच्चों में फ्रेंकली, कि बड़े जो है ऑलरेडी दे आर वेरी नाइसली प्लेस्ड, दे डोंट रिक्वायर एनी मोर इंफॉर्मेशन। तो बच्चों को चाहिए कि उनको फिर अच्छे से रिसर्च करें, अच्छे से सामने कहे, दे आर द टॉर्च बियरर्स, राइट। फिर ये हो गई बात, और मैंने क्या करे, और उनके बच्चों के लिए बताया था कि सितार जो है हाथ की चीज नहीं है, हाथ से सितार नहीं बजता, कान से सितार बजता है, हाथ से नहीं बजती। हम जो कह रहे हैं ना, एक्चुअली व्हाट्स फंक्शनिंग द न्यूरॉन्स, द ब्रेन डज ब्रेन इज फंक्शन, उसके लिए मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो। हम लोगों का थोड़ा थोड़ा एक एक सर्किट ढीला कर दी जाए ना, तो नहीं सुनेंगे, नहीं कुछ कर पाएंगे, ठीक है। संगीता जी भी आ गए, आप संगीता जी तो ये सब काम किए म्यूजिक थेरेपी, तो इट्स ऑल यू नो ये ब्रेन सिग्नल्स, राइट। सो अरे क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बताएं, सही में इतना अच्छा लग रहा है। और मैं ये फॉर्मेट इस पसंद ही नहीं, बड़ी बड़ी बात करो, क्या करना है, अपने काम की बात करें, नमस्कार। तो कहने का मतलब ये, अरे वाह बहुत अच्छा। तो जो है हमारे सितार में जो मेनली क्या होता है, सितार में कुछ एक्शन होता है हाथ से, दैट इज अ टूल, और एक्शन सही हुआ कि नहीं वो कान मॉनिटर करता है, वो कान मॉनिटर करता है, और कान मॉनिटर करके देखता है कि वो सही है कि नहीं। रियाज का बहुत कुफल है, बहुत खराब चीज है कि रियाज का, रियाज आपका अगर गलत कर, रियाज नेवर मेक्स ए मैन परफेक्ट, इट मेक्स थिंग्स परमानेंट। आप जो रियाज करो तो आपके हाथ में बैठ जाएगा, आपने सही रियाज करो तो सही बैठेगा, सही ना रियाज करो, उल्टा पलटा रियाज करो तो वही दिमाग में बैठ जाएगा, वही आपको सही लगने लगेगा। तो एक्चुअली आपको कान से, बच्चे अगर कान से रियाज करे, यू ऑल द टाइम मॉनिटरिंग, और कान अगर बहुत अच्छा नहीं चला तो रिकॉर्ड करके फिर सुना, फिर एडिट कर, जो भी है, इस कॉन्स्टेंट एडिटिंग मेथड, आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये मैंने बजाना था, इसे मैं छोटा करके, क्योंकि ये अभी अनुपम जी मुझे कल जो है
सेट कर दिए, वो सुनेंगे भाई तुम क्या बोलते हो माइक्रो टू मैक्रो। तो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया, तो मैं वो तो मैं उनको भाई मैं सजेस्टेड बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगा कि ये तो सालों लग जाएगा, मुश्किल है। तो मैं उसमें आ जाता हूँ जो मेन टॉपिक, मैं छोटा ही कर दिया, 15 मिनट में खत्म कर देंगे। तो देखिए दो कॉम्पोनेंट है सीधा बजा के, एक जो वर्चुअसिटी और एक कॉन्टेंट। वर्चुअसिटी मतलब वर्चुअसिटी आपको ज्यादा बजाने के उसमें करते हैं, लेकिन कंटेंट अगर उद्देश्य है कंटेंट जो आपको बजाना हो बजाना, उसके भी ऊपर के आपका आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, आपका आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन आप कैसे उसको पेश करना चाहते हैं, तो उसमें आपका क्षमता बाधा नहीं होनी चाहिए। आपका जो इमेजिनेशन है वो स्वाभाविक रूप से सामने रख पाओ, उसके लिए आपको थोड़ा सा टूल चाहिए। और इमेजिनेशन कैसे जाता है, अलियो खान साहब फिर क्या करे, वह सब दिमाग में आ जाए। अलियो खान साहब की एक बात मैं बोलना चाहता हूं, वो बोलते हैं कॉन्सर्ट में जब सर्वोदय रहता है तो मुझे जो लगता है, व्हेन रीच दैट, मुझे लगता है कि कोई एलियन इंस्ट्रूमेंट है। मैं अपने कानों से सुनी हुई बात बोल रहा हूं, अली अकबर खान साहब उस्ताद अली अकबर खान साहब की कही हुई बात है। तो ये जो है हमें लगता है एलियन इंस्ट्रूमेंट है, उसे साज बाज मिला लेते हैं। वो तो भाई बहुत केयरफुल था, उसको मैं नहीं कहता उनको, वो दो दिन तीन दिन पहले का जो काम है वो भी एक था, उसका शुद्धि पद्धति था कि बाजा किस स्टेटस पे, उसको हम नहीं करते लंबा हो जाएगा। तो उसके बाद मैं स्टेज में जाता हूँ, माइक के सामने बैठता हूँ, उसके बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक चले तो मैं श्रोता बन जाता। तो ये जो है मेरे गुरु पंडित भीमबेन्द्र मुखर्जी दूसरी भाषा में यही हमें समझाया है कि योर आर्टिस्टिक क्रिएशंस, योर इमेजिनेशन शुड गो अहेड एंड यू शुड फॉलो सूट, यू शुड गो ऑन प्लेइंग। ये उन्होंने सिखाया है, ये बहुत बड़ी सीख है उनसे। तो हमारे जो बजाना है उसमें एक होता है बांधी, जैसे इनायत खान साहब मैंने सुना है उस्ताद जैसे कि बांधी बजाते थे जो पहले से ही मतलब प्री कॉम्पोज, जैसे वेस्टर्न म्यूजिक में होता है बहुत हिस्सा, आर्ट म्यूजिक में होता है, फिर कर्नाटक म्यूजिक में, कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक में कुछ बहुत से हिस्सा ऐसा बांधी है प्री कॉम्पोज, और दूसरा हिस्सा है उपज। तो उपज में जो मेरा जो कहना था, बांधी में तो कुछ नहीं, बांधी तो है आप बांध लिए उसको, रियाज के बजाय उसको अच्छे से वो किए, तो लोगों का फील नहीं होना चाहिए आप बांधी बजा लो आज के तारीख में, लेकिन वो कर लिया। हमें सबको मालूम है कौन बांधी बजाते कौन कितना क्या बजाते, ये सोच बताने की बात नहीं। इसके बाद आता है कि उपज, उपज में एक्चुअली इट स्टार्ट्स विद साउंड एंड साइलेंस, कुछ बजता है और बाकी निशब्द है। साइलेंस था, फील हुआ कि आगे क्या होगा, इट क्रिएट्स सम टेंशन, एक साउंड एंड साइलेंस हो गया। इसके बाद जो है स्वर लय काकू भेद, आवाज कम इंटेंसिटी कम ज्यादा, और जो नाद भेद क्वालिटी ऑफ साउंड, किस ढंग का आवाज आप निकाल रहे हैं। मैं आओ थोड़ा सा बजा कोशिश करूंगा। इसके अलावा जो सितार के संदर्भ में जो सितार का जो टेक्निक है, जैसे कीर्तन बजा, नीड बजा, वो बजा, ये बजा, वो जुड़ जाता है। अब स्वर, स्वर तो हमारा तो 12 स्वर है ही नहीं जी, हिंदुस्तानी म्यूजिक इससे बहुत महान है। मैं कोशिश करूंगा, ये एक तो जूम का प्रॉब्लम है कि
थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, सामान सारे में जो पर्दे लगते हो बजाय सामान सारे हुआ नहीं है। राग तो जब तक कैरेक्टर पूरा नहीं है तो राग होता नहीं है, स्वर से राग होता नहीं है, राग एक अलग अलग वो एक आत्मा है। एनीवे मैं स्वर की बात कर रही, राग की बात हो नहीं रही है, तो मैं बता रहा हूँ कि ये देखो आप थोड़ा सा पीछे करते इसको, हाँ ये साई बजा लेके सा जहां से शुरू हो रहा है, जैसे वो अप्रोच कर रहा है वो अलग अलग जगह है, ये नहीं है, ये नहीं बजा रहा, पर्दे से कमल खोने पर पक्का बजा होगा, लेकिन ये पास है साहब मिल लेने से जो इंपैक्ट होता है साकार, ऐसा करे सालक नहीं होता, अलग होता है। ये नोट हो गया और बीच से भी ले सकते हो, हमारा जो है निखिलदा के निखिलदा के तो मेरे गुरु भाई जैसे गुरु भाई थे, क्योंकि मेरे उस्ताद जी से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, तो वो बोलते थे कि यमन का गाय और बिहार का गाय अलग है। तो ये है, और मेरे ख्याल से बृहस्पति जी ने तो लिखा होता था श्रुति की व्यवस्था में, जब जो बागेश जी का दहीबात और भीमपालस का दहीबात अलग है, वो तो श्रुति तो सीधा सीधा दिख जाता है, लेकिन हम लोग ना नेचुरल स्केल में चलते हैं, हमारे जैसे पारंपरिक रूप से जैसे हमारे राग के बारे में एक जो ऑडियो इमेज है उसको जैसे आएगा ऐसा हम करते हैं, और एक स्वर में बाकी जो तीन वेरिएबल्स है, तीन वेरिएबल मतलब काकू भेद है, फिर नाद भेद है, फिर लय भेद है, तो सा 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 करके इलाय भेद करके अलग अलग गैप लेकर साउंड एंड साइलेंस लेकर बहुत कुछ कर सकते हैं। दो पर्दा अगर आ गया तो उसका पॉसिबिलिटीज और बढ़ गया, जैसे ये सामान सा लगा है, ये सा बजाने के बाद सितारिया के पास पूरा फ्रेटबोर्ड है, कहीं भी जा सकते, बिस्तर में हो गया, कोई लंबा जाने की जरूरत क्या है,
पर्दे में कैसे आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, जैसे घंटों चल सकते हैं। ये मेरी मतलब थोड़ा सा जो ये इतना छिपा के ये विद्या रखा गया था, ये मेरे ख्याल से बाबा अलाउद्दीन खान साहब जो है इसको बहुत अच्छे से उन्होंने इस्तेमाल किया। बहुत ज्यादा उनका पुराने रिकॉर्डिंग स्कैनर का देख लीजिए, 3 पर्दे में अलग कर बहुत अच्छा। फिर उसके बाद और लोगों को पता चला, लेकिन ये बहुत ही ऐसा नहीं था, इट वॉज नॉट वेरी ओपन इंफॉर्मेशन। आज वो तो आप प्रस्तर सब जानते, प्रस्तर से गाना बजाना होता नहीं। प्रस्तर जो है हाथ अच्छा करने के लिए ठीक है, अच्छा सितार बजेगा नहीं, बक बक कर सितार एक साथ मुझसे होता नहीं। तो इसलिए थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, मैं माफ कर दीजिए, सितार बहुत खराब बज रहा है, लेकिन जो भी बज रहा है बस ठीक है, अब तो अपने ही। तो दादा एक मिनट मैं आपको रोक रहा हूँ, वो सुबह जो सेटिंग किया था उससे कुछ डिफरेंट हो गया, आवाज अभी उतना साफ नहीं आ रही है जितनी सुबह आ रही थी। हाँ बड़ा उसमें थोड़ा साउंड बढ़ सकता है। हाँ थोड़ा बेटर है, आज तो नहीं, आज तो आएगी नहीं वैसे। उसको मैं बाद में बात कर दूंगा ना, उसको कैसे किया जाए, फिर उसका स्क्रीन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना? वो कभी फिर करेंगे, ठीक है। आप माफ कर दीजिए, क्योंकि इस का सिचुएशन विद Zoom जी, ये राजेश कुछ नहीं कर सकता, अंजलि जी भी कुछ नहीं कर सकते, हमने जो है Zoom लेकर स्क्रीन यूज़ लेकर फला लेकर हमने कम से कम 14 घंटा काम किया है Zoom में, पसंद जैसा मीटिंग सॉफ्टवेयर राइट, हमें दूसरा प्लेटफॉर्म जाएंगे तब अच्छे से कर लेंगे। खत्म नहीं करना है। तो अब जो है नोट लेकर एक जो मैं कह बाबा अलाउद्दीन खान साहब, क्योंकि मैं बता रहा हूँ बाबा अलाउद्दीन खान साहब उनके लड़के के पास आए थे दिल्ली में 50s में, अर्ली 50s मे बी लेट 40s आई डोंट नो। मेरे पिताजी उमाशंकर जी, मेरे पिताजी सब लोग सीखते थे रविशंकर जी के पास, तो वो जो है रेडियो में काम करते थे रविशंकर जी। तो पंडित जी मेरे पिताजी को बताया कि आप रह सकते हो क्या उसमें, वो दोपहर को खाली रहता क्योंकि वो तो रेडियो में जाना पड़ता था। तो बाबा को कौन देखे, एक सेवक चाहिए था, तो मेरे पिताजी को मौका मिला कि भाई बाबा का सेवा करे, पैर वैर दबाए जो भी करे, नौकरी सोची। और नौकर मतलब इसके भगवान के नौकर होना, तो बस अल्लाह मियाँ के नौकर होना, उसमें तो सभी लोग चाहेंगे कि नौकर बने, मेरा तो ये हुआ नहीं, मतलब चांस ही नहीं मिला। तो उनका सेवा में शायद उनको संतुष्टि हुई, तो उन्होंने कुछ बताए थे, वो क्या बताए थे नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने कुछ बताए थे और बाद में निखिल दास से ही पता चला कि ये जो दिस इज एब्सोल्यूट प्राइज इंफॉर्मेशन, प्राइज इंफॉर्मेशन। तो मैंने कहा प्रस्ताव कहते हैं, मीर खान प्रस्ताव कहते हैं, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है उससे जो है आप जो है एक राग लेकर, जैसे ये सभी सभी बड़े उस्ताद सब जो अच्छे जो बच्चा बजाने वाले सबको मालूम ही है वो लंबा, जैसे मुझे एक बार कोई बताए कि सज्जाद आप बहुत दिन आलाप नहीं सुने, आलाप सुनेंगे, वो औरूप के घर, औरूप चैटर्जी बड़ा नाम कर गया तबला वबला बहुत अच्छा बजाते उनके घर चंद्रनगर में 81 में। तो कुशल जो था, कुशल अभी बहुत टॉप स्टार बन गया है मेरे स्टूडेंट, वो तानपुरे बजाने के मैं उनको ले गया था, तो 11 बजे घुसे तो बोले कि बहुत दिन अच्छा आलाप नहीं सुने। तो उसके बाद जब आलाप करके फिर विलंबित थोड़े जब तक विलंबित करके जब दूध बजा तो तार टूट गया, तो सेकंड जो म्यूजिशियन थे तो उनको बताया कि भाई आप गाइए अब तो हो गया बहुत समय बजाया, बोले नहीं दादा आप 5:15 हो गया आप छोड़ देते, तो हो जाता है उससे कोई बात नहीं है। मैं अब तक पब्लिसिटी करने के मैं तो सीधा कहाँ बजाता हूँ, कुछ नहीं पब्लिसिटी करने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन ये घटना है, अब ये सब सबके पास साथ ही हुआ होगा इस तरह की घटना है। तो जिनको एक्सपांस आता है तो इस तरह का एक्सपांस आ सकते, एक राग लेकर लंबा चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक रस्ता है जो नोट लेकर है, और दूसरा जो है जैसे बुद्धदा मेरे जो सीनियर गुरु भाई बुद्ध पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता जी,
उन्होंने मुझे बताए थे और बाद में गजानन बुआ भी बताए थे, उल्लास जी ये लोग जो गाते हैं उसमें जब फ्रेज लेकर करते हैं, किस चीज फ्रेज लेकर करते हैं। तो अपने बच्चों को मैंने सिक्किम यूनिवर्सिटी में बच्चों को छाया नट ऐसी बच्चों को छाया नट सिखा रहा था, तो मैं उनको 8 फ्रेज लिख दिया छाया नट का, टिपिकल फ्रेज लिख दिया। तो मैंने उनको बताया देखो 40,320 स्थान तुम लोग को दे दिया, और आप विश्वास जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये आपके ऊपर है, लेकिन हमारे बच्चे जो है आधा घंटा छाया नट का तान गा दिया, अलग अलग बच्चे ये कुछ गा रहे थे दूसरे कुछ गा रहे थे और एक जैसा नहीं है वो। मैंने कहा कि इंडिविजुअल जो वो जो तान है छोटा छोटा तान है उसको मात्रा भी कर दिया था, कोई छोटे था कोई बड़े थे अलग अलग डिजाइन के थे, जो आठ जो हम जैसे उस्ताद से चलन करके सीखे तो चलन ठीक नहीं है वो तान भी बजाया जा सकते उसमें। तो उसमें जो खास फ्रेजेस है जो खूबसूरत फ्रेजेस है वो सब दे दिया था, आठ फ्रेज दे दिया। तो फैक्टरल 8 14,320 यू हैव तान हो गया, ये तो सीधा सीधा जोड़ के आगे आठ ही फ्रेज करेंगे, तो अगर कभी 2 फ्रेज करते कभी 3 फ्रेज करते कभी 4 फ्रेज करते कभी कौन सा 2 कौन सा 3 कौन सा 4 कौन सा 5 तो लाखों बन जाते। तो छाया नट में कौन सी दिक्कत है, इसमें कुछ रखा नहीं है कुछ नहीं है। और एक चीज फाइनल में एक चीज बोलना भूल गया, मैं बोलना चाहता हूँ बच्चों को कि तो हम लोग बहुत हल्ला मचाते कि हमारे जो म्यूजिक है बहुत मुश्किल है बहुत वो है, इसलिए मैं उनको एक किताब का वो देना चाहता हूँ। एक हाँ एक किताब बच्चे पढ़ लो, सभी चीज जो है समान, सभी चीज में अच्छा खेलना है तो भी उतना अच्छा, बॉक्सिंग करना है तो भी उतना ही करना है, आपको टेनिस खेलना है क्रिकेट खेलना है तो मेहनत सब में है। हमारे म्यूजिक में बहुत ज्यादा कुछ है ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। और मैलकम गैंडल की किताब है आउटलायर्स स्टोरी ऑफ सक्सेस, उसमें उन्होंने म्यूजिशियंस स्पोर्ट्समैन जो आउटलायर्स मतलब क्या होता है स्टैटिस्टिकल टर्म, आउटलायर्स मतलब सोसाइटी में जो जिस ढंग का लोग चलते, जैसे सबका मान लीजिए इनकम जो है 10,000 रुपया, किसी की इनकम 70,000 रुपया तो वो आउटलायर हो गया, जैसे जाकिर हुसैन इज एन आउटलायर, क्योंकि उनका मतलब फेम फेम जो है बाकी सबसे ज्यादा है। रविशंकर जी वॉज एन आउटलायर, ये लोग आउटलायर्स होते। तो आउटलायर बनने के लिए टू हैव द बेसिक लेवल यू हैव टू पुट इन 10,000 आवर्स, दिस प्रूवन बाय रिसर्च, 10,000 घंटा आपको देना पड़ेगा। 10,000 घंटा कोई भी किसी भी कठिन चीज में दे दो तो आपका अच्छे लेवल का एक लेवल का कमांड बन जाएगा, और कमांड का एक्सपेक्टेड मिनिमम लेवल जो होता है कि आप 5-10 उस्ताद ले दिए जो बहुत अच्छा है, उनका एक उस्ताद का हर चीज अच्छे नहीं होते, कुछ चीज बहुत अच्छा होते इसके लिए वो जाने जाते हैं और लोग पसंद करते हैं, कुछ चीज होता है जिनको उतना अच्छा नहीं है, तो वो जो अच्छा नहीं है वो भी काफी अच्छा होता है। तो एलसीएम करके उनका जो मिनिमम है उस मिनिमम जो क्वालिटी है सभी उस्ताद का वो आपको आना ही पड़ेगा, वो 10,000 घंटे में आ जाएगा, फिर आपका स्पेशल के डेवलप कर जाइए, फिर आप उस्ताद जैसा बहुत अच्छा वादक जैसा आप बन सकते हो। उसके बाद अच्छा बजाना और अच्छा फेमस बनना एक दूसरी बात है, फिर और कहीं होगा उससे डिफरेंट इश्यूज। बस इतना ही मुझे बोलना था, मैं कुछ जो मन में आया क्यों मैं तो आप तो समझ मैं उपज ही किया, तो आपका किसी काम में आ जाए, किसी एक बच्चे काम में आ जाए, कुछ पेपर पब्लिश हो जाए, एक कोई अच्छा बजाने लगे तो मेरा जिंदगी सार्थक हो जाए। नमस्कार। बोल दिया भाई, वेरी वेरी दृष्टिकोण लेक्चर के माध्यम से जो स्टॉल नेटवर्क प्रॉब्लम है नेट सुप्रिया जी। सुप्रिया जी नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है आपके यहाँ से जुड़ने का प्रयास कर। सुप्रिया जी सुनाई पड़ रही है आवाज? सुप्रिया जी जी मैं आ रही हूँ, मैं नयन के लैपटॉप से आ रही हूँ। जी जी आइए आइए। क्या मैं अब मैं सुनाई दे रही हूँ? मैं क्या आप बता रहे हैं? जी एकदम। तो बहुत धन्यवाद प्रोफेसर पंडित संजय बंदोपाध्याय जी, आपको आपका ये व्याख्यान
इसमें इतना कुछ था ग्रहण करने योग्य, सीखने से जो सानिध्य मिला के उन से जो आपने इस तरह सानिध्य में आप सुन पा रहे हैं मुझे? वो वही कट कट के आवाज आ रही है। सुन पा रहे हैं? हाँ आवाज कट रही है जी। धारा था मैं प्रयास कर रही हूँ कि जुड़ी रहूं आपसे। सुन पा रहे हैं आप लोग? जी 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 जी। तो बहुत कुछ आपने चीजें हमें बताई हैं आज, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, और एक अलग दृष्टिकोण विद्यार्थी हैं वो सुनी, जो ज्ञान अपना अप्रोच। तो प्रिया जी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। मैं दोबारा जुड़ रही हूँ आप सबके। ठीक है, तब तक मैं संजय दास से कुछ पूछता हूँ। दादा कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब इन्हें उत्तर देने मेरे ऊपर नहीं, मत छोड़िए। मैं ये क्वेश्चन तो नहीं करूंगा कि क्या रियाज करना, क्योंकि आपने उस्ताद विलायत खान साहब की दो लाइन हमको बता दी। तो लेकिन हम लोग जो इस शिक्षा जगत में हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है दादा कि बच्चों को जो है सुर ज्ञान कैसे कराएं। अच्छा, वो खास करके तंत्र वाद्य वाले लोगों को बता दो। मतलब कुछ सिंपल है जी, ऐसा है कि स्वर ज्ञान कहाँ होगा? दिमाग में जी, राइट। अच्छा, दिमाग के साथ, और मेरा जो है एक जो है मॉनिटरिंग डिवाइस है कान, तो कान सही होना चाहिए। कान सही होने में मतलब अस्वस्थ नहीं होना चाहिए। एक पीस गाना दूसरा पीस सुनाई दे रहा, डिस्टॉर्टेड पीस सुनाई दे रहा, ऐसा होने से नहीं हुआ। तो ये बेसिक, अगर स्वस्थ बच्चा है जी, अगर स्वस्थ बच्चा है तो उनको स्वर ज्ञान कराने के लिए सबसे इजीएस्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वोकल कॉर्ड, क्योंकि ब्रेन से सीधा कनेक्शन है जी। तो उनको सारे सा ग सा म सा प सा ध सा नी सा 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 नी सा ध सा प सा म सा ग सा रे सा सा, इस ढंग का कुछ रियाज करा दीजिए, और उसको बोलिए कि एक नोट लगाकर दूसरा नोट गा, सारा गा गा गा, ये तीव्र मध्यम कर ले, ये कोमल निषाद कर ले। तो ये पहले उनको जो है गाना अगर कर ले तो उनका, क्योंकि सितार से कैसे सुन निकलेगा भाई, सितार एक फॉरेन बॉडी है जी। अच्छा, दूसरा जो है वो देवुदा के घर में ये हुआ था कि एक अमेरिकन दिल्ली आईटीआई पढ़ाने के लिए आया, तो बिसुरा हो रहा था। तो देवुदा को तो हम भी डरते थे बहुत, तो देवुदा थोड़ा सा उधर गैलू में गए हैं, तो मौके वो बहुत प्रयास करते थे मीर करने का। तो आईटीआई पढ़ाने के लिए आए थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो मैंने उनको मौका मिल गया, देवुदा नहीं थे, मैंने कहा भाई आपको क्या बजानी है? मैंने वो जो ये सानिधा बजा, जो भी उनका बोले नीधा सा, आप जो बजाओगे आपको क्या बजाओ, आपके दिमाग में इमेज है, आपको मालूम है क्या बजाओगे? नीधा सा तो सिंबॉलिक वर्ड है, व्हाट इज, व्हाट आर द साउंड्स, बस सारे गांव बढ़ने से कुछ नहीं है, दिस आर सिंबल्स। सारे गांव बढ़ने से क्या होता है? आप वेस्टर्न में डोरे में फांसी ऐसा दूसरा शब्द यूज करते हैं, है ना, और सीटी करके ये लोग दूसरा करते हैं। तो ये तो सिंबल्स है, दिस आर नॉट एट ऑल नोट्स। तो वो जो नोट क्या है सर, ये जब तक उनका डिमांड नहीं होगा, उनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो भीड़ खींचते जा रहे हैं। विजुअल सितार बजाएंगे तो ऐसे ही होगा। कान से बजाओ, तो मैं कह दिया कान से बजाइए, हो गया, बस सिंपल। क्या आप सेटिस्फाइड है कि नहीं राजेश भाई, क्या लगते हैं आपको? नहीं, हम सेटिस्फाइड हैं, लेकिन इसको हमको स्टूडेंट को कैसे सेटिस्फाइड करें ये देखने की। मैं अक्सर सभी विद्वानों से पूछने की कोशिश करता हूँ कि हमारे जितने विद्यार्थी मिलते हैं वो तो संगीत के बैकग्राउंड नहीं होता है,
ये सभी सभी विद्यालयों में, सभी यूनिवर्सिटी में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको कैसे एकेडमिक लाइन में होने के कारण कैसे इसको सुधार करें, क्या करें, इसको मैं सबसे पूछता रहता हूँ। आपको जो है पहले टीचर्स काउंसलिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि आप बहुत सीनियर पोजीशन में, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात। और मुझे मत डांटिए क्योंकि जूनियर लोग भी बहुत है, मुझे मत डांटिए। मुझे लगता है कि यू रिक्वायर फर्स्ट यू नो हैविंग सम वर्कशॉप और सब काउंसलिंग ऑफ योर टीचर्स। उनको ये होना चाहिए कि बहुत सितार बजाए, वो चाहे तो सही, उनका तो सिलेबस खत्म करने के लिए हो गई। और आई हैव स्ट्रॉन्ग कंप्लेंट्स ऑफ द सिलेबसेस, वो सब कभी और कभी करेंगे राजेश भाई, ये दिस राइट फॉर ऑल दिस थिंग्स। लेकिन ये जो है, मैं एक बार सुनिए तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में वो विद्याधर व्यास जी बुलाए थे बजाने के लिए जी। तो विद्याधर व्यास जी बॉम्बे यूनिवर्सिटी में थे, तो मैंने उस जमाने में ऐसा था कि जो भी देखो बुधाइत ही बजा के आते थे तो पिताजी का सुनाते थे, मैं भी बजा के आता था तो मैं काका वो भी सुनाता था पंडित मुखर्जी को। तो उसमें मैं बड़ा अच्छा बजा रहा था, सब ठीक ठाक था। उसके बाद एक बीन बजा लंबा सा बीन, पूरा बेसुरा हो गया। तो उसके बाद उन्होंने रिकॉर्डिंग उन्होंने कुछ नहीं करते थे। प्रॉब्लम यह है उनका कि वो डिटेक्शन नहीं कराएंगे, आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा आप गलती की है, डिटेक्ट करना, मरते जाओ कुछ नहीं। तो मैंने कहा बिस्वरा होकर, बोला बिस्वरा हो गया, अच्छा तो फिर लगा फिर बैक करो कैसे, तो बैक किया फिर बिस्वरा हुआ। तो मैंने तो उन्होंने पूछा कि बिस्वरा हुआ तो ये बिस्वरा क्यों हुआ। तो हम तो कलकत्ता से गए थे, कलकत्ता सितार की जगह है, तो हम लोग का तो मसल फेल हो गया जी। तो उन्होंने फिर उसका सोल्यूशन बता दिया, मसल फेल नहीं हुआ। उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम हो के हाथ गिर गया था, कुछ तो नहीं है, मसल फेल नहीं हुआ। उसमें जो है आपका सा छूट गया था, आपका तानपुरा से, आपका जूड़ी से, आपका कान हट गया था, इसलिए आपको मालूम ही नहीं था कि गा या जो मीर करेंगे उसमें क्या करोगे। एज यू डिडंट नो कि क्या बजानी है, तो आप खींच दिए, तो खींचने से वही होता है। तो बच्चे जो बेसुरा हो रहा है, जो हो रहा है, वो खींच रहे हैं, विजुअली देख रहे हैं, ऑरली सुन नहीं रहे ना। और मेरा ना बहुत सम्मान है सबके प्रति, माफ करिएगा, मैं किसी एक्सेप्शनल टैलेंट है, मेरा कमजोर है, कभी बताऊंगा मेरा अपना थियरीज है, ये इसके लिए भी वो फोरम नहीं है। मुझे लगता है कि जो जिंदगी का जो जितना जैसे ये अगेन अब आइंस्टीन का नाम आ रहा है, मैं समझता हूँ डिफरेंट फोरम, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंपॉर्टेंस टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट इज टाइम, डेडिकेटेड टाइम, इंटेलिजेंट टाइम। इफ यू गिव इंटेलिजेंट टाइम, मैं समझता हूँ सब में जो है कम ज्यादा बहुत अच्छा हो सकता है। और दूसरी बात है, हम ही लोग नहीं सिखाते जी जी। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते नहीं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे बजाए, अच्छा बजाने से हमें दिक्कत होती है, बड़े बड़े उस्तादों को दिक्कत होती है, बोले हम क्या खाएंगे फिर। जी जी। हो जाता है ना, तो मेरे बच्चे अच्छा बजा रहे, क्यों मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे अच्छा बजा रहे फिर वो बजा ही रहे, बहुत अच्छे बजा रहे, तो बहुत अच्छे बड़े बड़े जगह पर बजा रहे, वर्ल्ड फेस्टिवल से बजा रहे, बड़े बड़े प्रिंस चार्ल्स के वो मीट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मोदी जी के सुना रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, छोड़िए वो तो रविशंकर जी को सुन, रविशंकर जी उनको बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो ये सब हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, पहले तो आपको चाहना पड़ेगा आपका बच्चा अच्छा बजाए। इसीलिए आप बहुत अच्छा वादक हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी जी। लेकिन आपको जो है अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, व्हाट इज गुड म्यूजिक, व्हाई रविशंकर जी वॉज गुड, व्हाई निखिल दा वॉज गुड, व्हाई विलास खान साहब वॉज गुड, वही पाठक जी वाज गुड, ये तीन ही लोग बजाने वाले थे, वही अब्दुल हलीम जाफर खान साहब वाज गुड जी। तो ये आपको आपको मालूम होना चाहिए ना कि वाई दे वर गुड, क्योंकि उनका नाम है तो अच्छा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको यू हैव टू बी एबल टू डिवाइड द कंस्ट्रक्ट्स एंड देयर मेजर। ये चीज विराट खान साहब भी बजा रहा है, ये चीज रविशंकर जी बजा रहा है, ये निखिल दा भी बजा रहा है, ये अगर तीन चीज लेंगे, सॉरी फॉर माई कॉमेंट्स, ये तीन चीज लेंगे ए बी सी, किसी में विराट खान साहब सबसे अच्छा बजाएंगे, बाकी दो उतना अच्छा नहीं बजा पाएंगे, किसी में रविशंकर जी सबसे अच्छा बजाएंगे, बाकी दो नहीं बजा पाएंगे, इसमें निखिल दा सबसे अच्छा बजाएंगे, बाकी दो नहीं बजा पाएंगे जी। इट इज ट्रू, यू हैव टू टेक इट। इसलिए इससे कॉम्पोनेंट मेजर हो, वो क्यों अच्छा है, क्यों कम अच्छा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और ये अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, सुने और एक चीज बता रहा हूँ, निखिल दा के साथ में कभी जाता था, झगड़ता था, कुछ भी करता था, तो निखिल दा को बता दूंगा आप इतना बजाते हो, ऐसा ऐसा करते हो, तो सिखाते क्यों नहीं जी जी। उन्होंने बताया कि भाई मुझे मालूम ही नहीं है कि ये रियाज करने से ये खराब होती है, इसलिए मैं नहीं सिखाता, मैं अपने ऊपर तो ले सकता हूँ।
ये दूसरे को नहीं कर सकता। तो हम लोग कितनों को मालूम है कि ये रियाज करने से ये खराब होता है, ये आप पूछ के लिए देख लीजिएगा। अगर वो अगर जिसको मालूम है वो बूढ़े होने के योग्य है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। जी जी जी, थैंक यू। सप्रिया जी आ गई आप? जी जी, क्या मेरी आवाज अब पहुंच रही है आप सब तक? हाँ जी, हाँ जी। क्या आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ। जी, बहुत धन्यवाद सर। मैं अब हमारे पार्टिसिपेंट्स के भी कुछ प्रश्न आए हैं, तो क्योंकि समय भी आगे बढ़ता जा रहा है और हमारा वायलिन का भी एक सत्र बहुत शीघ्र ही शुरू होने वाला है, आज से पहला सत्र है उसका, तो मैं जल्दी जल्दी एक दो क्वेश्चंस आए हैं। एक है अरुणिमा मिश्रा का, जो कि पूछ रही हैं, वो हमारे साथ फेसबुक लाइव पर जुड़ी हैं आज, उनके यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज थे तो वो जूम पर नहीं आ पाई है। हमारे यहाँ की बीपीए थर्ड ईयर की स्टूडेंट है। इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज योर प्रोग्रेस यू नीड टू नो अबाउट वॉट योर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स आर। So in order to discover what your own playing style is, what are the right things that you should monitor when you are learning as a beginner? अपनी खुद की positive or negative beginners कैसे समझें और आगे अपनी optimal performance के लिए कैसे काम करें, ये उनका प्रश्न है। पहली तो बात है, मैं ये कहना भूल गया कि असल में गुरु वो खुद ही है, कि उनको सोचना पड़ेगा। She has to understand what she wants to achieve. Goal उनकी है। जैसे राजेश भाई ने मेरे बारे में अच्छी अच्छी बात कही है, ये मेरा कोई गुण है ही नहीं, उनकी नजरिया है जिससे उनको लगा कैसे से बात। जैसे आपने भी कहा, सुप्रिया जी ने कहा, जो भी कुछ भी कहा, मेरे बायोडाटा में जो लिखा है वो झूठ नहीं लिखा, वो तो सही है, लेकिन बाकी जो जो कह रहे हैं जो, वो उनकी नजरिया है। मेरा कुछ गुण नहीं है, हम है ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी नहीं है। टोटल स्पेस में पृथ्वी इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, और टोटल इनफाइनाइट स्पेस है, इसमें इतनी से ग्रह है। तो व्हाट वी प्रिज्यूम, व्हाट वी अंडरस्टैंड इज ट्रू फॉर अस, ये मिथ्या ही है। तो आपको जो अचीव करनी है ना, व्हाट यू विश टू अचीव, दैट इज योर वन, योर ओन चॉइस, परफेक्टली योर ओन चॉइस। आप सबको सुन रहे हो, देख रहे हो, आप सब कुछ अवेलेबल है। तो आप जो करना है छोटा छोटा चीज लीजिए, ऐसा बहुत कुछ आपको सोचिए कि आपको अच्छा बजाना है क्या चीज, आपको क्या खराब बजता है, आपको क्या थोड़ा सा अच्छा करना, थोड़ा सा अच्छा करके पहले उस ऑब्जेक्टिव बनाइए, उसको कहें हम इसको 3 दिन में कर लें। गिव यू अ टाइम शेड्यूल, टाइम प्लानिंग, इसको 7 दिन में कर लें। कैसे करेंगे? विलाद खान साहब, जो नहीं आता वो बजाओ, जब तक नहीं आता तब तक बजाओ, बस। आई थिंक दैट्स द आंसर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी वेल आंसर्ड सर। एंड आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन बाय मनाली घोष, हु इज ऑल्सो विद अस ऑन जूम टुडे, बेन म्यूजिक कॉलेज, University of Calcutta, and she is asking, is it possible to choose the right or wrong for music or for any art? If yes, how can you choose? And another part of her question is, what is authenticity and is it dependent on the acceptance by the audience? Very good questions. Thank you. पहला उत्तर मैंने बता ही दिया, मनाली को मैं जानता हूँ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में है, बहुत अजय चक्रवर्ती के स्टूडेंट है, अच्छा गाती है, वो सब ठीक है। तो तुम्हारे जो क्वेश्चन है, पहला वाला उत्तर, आई अंडरस्टैंड यू ऑलरेडी गॉट इट, मनाली। सेकेंड, ऑथेंटिसिटी जो है, एज यू एज द कम्युनिटी अंडरस्टैंड्स एज ऑथेंटिसिटी, आप जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, कल के दिन जो ऑथेंटिक जो है, बहुत पुरानी हम भूल भी जाते हैं एनीथिंग, और इसीलिए वो जिस पीरियड में आप जी रहे हो ना, मैं समझता हूँ उस कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी को आपको सेटिस्फाई करनी है, उस कम्युनिटी जिसको ऑथेंटिक बोलते हैं, वही ऑथेंटिक है। आपको अगर रिसर्च करके कुछ मिल गया कि काले खां ऐसा गाते थे, जो गुलाम अली खान साहब के उस्ताद है, ऐसा अगर गाओ, तो आई डोंट नो इफ पीपल विल टेक इट एज ऑथेंटिक, क्योंकि गुलाम अली खान साहब तो उनको मालूम है, और काले खां साहब का भी रिकॉर्ड है, आपको मालूम होना चाहिए। तो काले खां जो गाने उस वक्त गा रहे हो, तो बोलना पड़ेगा कि काले खां साहब का रिकॉर्डिंग से उठाया है, तो लोग श्रद्धा से करेंगे। साहेबदाद खां का कुछ अगर कोई बजा, कुछ हम कॉम्पोजिशन बना ऐसा बजाते तो मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक दैट इज द आंसर। आपको ठीक लग रहा है कि मनाली, यू नो, या सिग्नल तो करो, सिग्नल तो आता है। मैं इसको बोल रही कुछ नहीं, एक मिनट, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ मनाली को।
बोलो। कभी कुछ चीजें हम लोगों को जो सिखाए जाते हैं और जो सुनने के लिए आते हैं उनको शायद कुछ दूसरा सही लगते हैं, तो उस वक्त हम लोगों का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब उनको लगता है कि हम ना सीख के या ना सुन के आते हैं, मतलब कभी कभी कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं। देखो इसका उत्तर पहले ही बता दिया कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता है। ऑब्जेक्ट कैसे सर जैसे देखेंगे इसका आप कुछ नहीं कर सकते। आपका जिस बैंड पे आप गए हैं, जिस ग्रुप ऑफ लिसनर आपको सुन रहे हैं, दूसरे ग्रुप ऑफ लिसनर आपको बहुत अच्छा बोलेंगे। निखिल दा का प्रोग्राम जयपुर में बहुत अच्छा, उसके बाद भोपाल में एकदम अच्छा नहीं हुआ। एक ही आदमी बजा रहे हैं, बहुत अच्छा बजा रहे हैं। असित मुझे रिकॉर्डिंग सुन, देखो गधे देखो भोपाल के, सॉरी सॉरी हमें आई थिंक आप इस की बात करनी नहीं चाहिए, बट असित बनर्जी ने बोला कि देखो ये इसको अच्छा नहीं बोल रहा है। उनको दे बट नॉट एक्सपोज टू इट, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। सब उस्ताद का भी यही होता है, रविशंकर जी का भी यही हुआ, जो जिनको अंदर से वो शुरू का मालूम है सबको। ये सब डिस्कस करना अच्छी भी नहीं है और हमारे वैल्यूज के अगेंस्ट में है। लेकिन कोई भी म्यूजिशियन नहीं है, जैसे जी जब इधर आए थे शुरू शुरू में तो क्या क्या बातें उनको पुरानी, आप रिसर्चर हो आप पुरानी जो है देश वेश उतार कर देखो कि जैसे जी शुरू में आ रहे थे तब क्या उनका रिव्यूज था, जबकि उनको भगवान माने जाते हैं। तो ये तो ऑब्जेक्ट का गुण है, जैसे मैंने कहा ना, वो जैसे श्रोता है उसका कुछ नहीं कर सकता है। तो आई डोंट थिंक सो, यू गॉट द आंसर, गुड थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. So well answered. And the fact that we are getting such wonderful questions from the participants is enough proof that everyone has really enjoyed your lecture, learned a lot of things, and काफी सोचने पर मजबूर होते हुए वो आपसे ये सारी queries उनके मन में उठ रही हैं. That itself shows कि आज का आपका ये व्याख्यान कितना successful रहा है. तो बहुत धन्यवाद आपको सर. अब हम इस सत्र के समापन की ओर उन्मुख हैं। एक ईमेल चाहता हूँ आज ना हो एक साल बाद कि भैया ये जो है इसका जो है ये एकेडमिक पब्लिकेशंस कॉर्पस या वेब ऑफ साइंस में हो गया है, या कोई अगर बच्चा बोलता है कि देखो मैं ऐसा गाता था अभी जो तान ऐसा जा रहा है, हमें जो है श्री में ऐसा मान रहा है कि हम आधा घंटा तान गा सकते हैं, इससे कुछ रिपोर्ट अगर हमें आ जाए, बड़े मुझे बुड्ढा हो गया ना, बुड्ढे इसी में संतुष्ट होता है, तो वो बड़ा अच्छा है। मैं अपनी तरफ से और संकाय में जितने हमारे कलीग्स हैं उनकी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपकी ये बात कहीं ना कहीं पूरी हो जाए। थैंक यू, इजाजत है और कुछ बोलेंगे? जी सर, आप अपने आप कह रहे हैं कि आप बुढ़े हो गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू आर यंग एट हार्ट एंड यू हैव सो मच ऑफ, मतलब मेरे को दिख रहा है कि आपके अंदर नॉलेज की क्वेस्ट इतनी ज्यादा है और इसीलिए नॉलेज का भंडार भी इतना है आपके पास। सो दैट इज द मार्क ऑफ अ यंग माइंड एंड अ यंग सोल। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपकी सारी बातें सुन के, जो आपका ये फ्रीली आप चीजें शेयर कर रहे हैं और जो आपका एक विजन है कि अच्छे स्टूडेंट्स सीखें और अच्छे स्कॉलर्स बने, अच्छे म्यूजिशियंस बने, ये भी बहुत एक सकारात्मक आपकी सोच है और इससे हम सब इंस्पायर हुए हैं आज। और बहुत धन्यवाद फिर से आपको सर। और अब मैं सत्र का समापन करते हुए, हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर रेवती साकल और बनारस की एक बहुत ही प्रतिष्ठित गायिका हैं, उनको मैं सादर ज्ञापन कर इस समापन करें। प्रोफेसर रेवती साकलकर मैडम, आपको अनम्यूट कर रहे हैं मैडम। जी 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 जी, नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है? जी मैम, आ रही है रेवती जी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुप्रिया शाह जी कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि इस इतनी जो विद्वत चर्चा है उसमें मैं आभार प्रकाश कर सकूं, तो मैं बहुत आभारी हूँ आपकी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक
डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा आयोजित इस सुंदर ऑनलाइन व्याख्यान माला है जो जिसकी ये आठवीं कड़ी है आज और इतने महान विभूतियां इससे जुड़ी हुई हैं। इसके लिए मैं सर्वप्रथम हमारे डीन और संकाय प्रमुख प्रोफेसर राजेश शाह जी की मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस तरह का संयोजन किया, आपकी अध्यक्षता में इस प्रकार की ये व्याख्यान माला आयोजित की जा रही है जिससे हम सभी बहुत लाभान्वित हो रहे हैं, सभी इस ज्ञान की गंगा में डुबकियां लगा रहे हैं और बहुत ही अपने को धन धन धन्य अपने को महसूस कर रहे हैं। आज की इस कड़ी में हमारे बीच अतिथि वक्ता के रूप में सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिक्किम से पधारे प्रोफेसर पंडित संजय बंदोपाध्याय जी, आप के विचार हम सुन रहे थे। सर, मैं आपको हृदय से प्रणाम करती हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ, लगातार सुन रही थी आपको। पहले मैं इतना कहना चाहूंगी कि आपके व्यक्तित्व से जो मुझे समझ में आया, मुझे मात्र ये समझ में आ रहा है कि कठिन होना तो बहुत सरल है लेकिन सरल होना बहुत कठिन बात है। आज आपकी सरलता से हम, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं, आपके गुरु ने जो आपके ऊपर शक्तिपात किया है, आपने चीजों को कितना सरल बना दिया, कितना सुगम बना दिया सबके लिए, जिससे कि वो तनाव मुक्त होकर विद्या के मार्ग पे अग्रसर हो सके। आप प्रख्यात सितार वादक हैं, विद्याविद हैं और आप फॉर्मर चेयरपर्सन चेयर प्रोफेसर रहे हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान चेयर रविंद्र भारती कोलकाता के, और ऐसे ही बहुत से पदों पे आप आसीन रहे हैं और इतने महत्वपूर्ण आपके पदों के साथ आपका इतना सरल व्यक्तित्व, मैं आपको बार बार नमन करती हूँ। और आपने आपका जो आज का विषय था कॉन्सेप्चुलाइजिंग द माइक्रोज टू रीच द मैक्रो, a small music lantern from my revered gurus, सूक्ष्म की संकल्पना से विशाल की यात्रा पर आपने आज दृष्टिपात किया है और आप ने सूक्ष्मता को क्योंकि इतने अच्छी तरह से समझ लिया है कि आप बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी हो गए हैं और बहुत कुछ सीखने को आज मिला है। आपने कहा कि गुरु का कार्य है कि अंधेरे में रास्ता दिखाना और उजाला बनाना तो शिष्य का काम है, तो आपने निश्चित ही उस उजाले को, उस अंधेरे से निकलकर उजाले को हम सब तक पहुंचाया है, हम सबका मार्ग प्रदर्शन किया है। और आपने बताया कि प्रेजेंटेशन में कैसे साइकोलॉजिकल सिचुएशन और फिजियोलॉजिकल कंडीशन, इन सभी की कितनी महत्ता है, और आपने कहा कि बुद्धि से रियाज करो, और आपने कहा कि विलायत खान साहब के आपने दृष्टांत को बताया और आपने कहा कि जो नहीं आता उसका करो, बहुत महत्वपूर्ण चीज कही कि जो नहीं आता, क्योंकि हम सब अज्ञानी लोग हैं, अल्पज्ञ हैं, तो जो नहीं आता पहले उसको परफेक्ट करने की बात आपने बताई, हमको बताई। और आपने कहा कि अच्छा बजाने के कॉम्पोनेंट्स को जानकर उनको मेजर करना और उनको एसिमिलेट करना आप के वादन में जो है आपके वादन को और अच्छा कर सकता है। हाथ से नहीं कान से सितार बजता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि जीवन भर हम सुनते सुनते सीखते हैं, तो अगर आपके कान परफेक्ट हैं तो आप उसको अपने वादन में चाहे गायन में उतार सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस की बात की आपने, अपने गुरु पंडित विमलेंदु मुखर्जी जी की शिक्षा देने की बात कही और पंडित राधिका मोहन मोइत्रा जी की बात कही। आपने कहा कि जैसे बांधी और प्री कम्पोज चीज़ों की बात की, उपज की बात की, साउंड और साइलेंस की बात की, आपने स्वर लय और काकू भेद के विषय में आपने बताया, आपने जो बाबा अलाउद्दीन खान जी
विशिष्ट विद्या जो आपको आपने बताया कि आपको प्राप्त हुई है, उसके विषय में आपने बात की, और अत्यंत सुगमता और सरलता से कैसे आप टेंशन फ्री हो जाएं। मैं आपका व्याख्यान सुन रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मतलब इस तरह का अगर तनाव मुक्ति से व्यक्ति गायन वादन करें तो बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बार बार मैं पुनः पुनः बारंबार नमन करती हूँ सर, प्रणाम मेरा स्वीकार करेंगे आप, और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना बहुत ही अनमोल समय, बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया है। हमारे साथ इस व्याख्यान माला में बहुत से विद्वान जुड़े हुए हैं, मैं सभी को देख पा रही हूँ, प्रणाम करती हूँ मैडम। मैं देख पा रही हूँ महाजन मैडम को, प्रोफेसर अनुपम महाजन जी को, इतना सुंदर व्याख्यान में हम लोगों ने उनका सुना, जिन्होंने अपने गुरुओं की बात को हम लोग के सामने बहुत सरलता से प्रस्तुत किया था। बहुत आभारी हूँ प्रोफेसर पुष्पा बसु जी की, जो कि मौजूद रही पूरे समय यहाँ पर, पंडित हरविंदर शर्मा जी, प्रोफेसर पंकज माला शर्मा जी, प्रोफेसर अनुपम महाजन जी, पंडित रविंद्र नारायण गोस्वामी जी, पंडित साहित्य कुमार नाहट जी समेत अनेकों विद्वान यहाँ पर विराजमान है, सबको प्रणाम करती हूँ। और हमारे चारों विभागों के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संगीता सिंह जी, प्रोफेसर संगीता पंडित जी, प्रोफेसर राजेश शाह जी, प्रोफेसर दीपान्विता जी, सभी को प्रणाम करती हूँ, जो सभी हमारे संकाय परिवार के सारे सदस्यगण यहाँ पे मौजूद हैं, प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ मिश्र जी, प्रोफेसर वी बालाजी समेत अनेकों लोग यहाँ पर विराजमान हैं, जिनको कई लोगों को मैं देख पा रही हूँ, कई को नहीं देख पा रही हूँ, जिनके नाम भी छूट रहे हों। प्रोफेसर प्रवीण उद्धव जी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, आप लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ, और संगतकार बंधु जो आज जुड़े हुए हैं, सारे विद्यार्थी गण, शिक्षक गण और प्रतिभागी कलाकारों सबको मैं पुनः पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। मुझसे कोई भी त्रुटि अगर हो गई हो, त्रुटिवश कोई नाम छूट रहे हो तो मुझे क्षमा करिएगा। और इस प्रकार के व्याख्यान माला इस तरह से निरंतर चलती रहे, मैं बहुत इस ओर देख रही हूँ, रहो तो हम सभी लाभान्वित होते हैं। बहुत बहुत प्रणाम आभार डॉक्टर सुप्रिया जी, जो कि इसकी कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया इतने महान विद्वान के विषय में कुछ कहने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद रेवती जी। अब ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आप सबकी सूचना के लिए मैं बता दूं कि कल हमारा ये जो सितार की व्याख्यान माला चल रही है 9 दिवसीय, इसका कल आखिरी सत्र है, जिसमें हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी हस्ती जुड़ने वाली है, विदुषी मंजू नंदन मेहता जी, जो कि मेहर घराने का प्रतिनिधित्व कर रही हैं एक तरह से। पंडित रविशंकर जी, मेरे दादा गुरु जी की वो सीनियर मोस्ट शिष्याओं में से, उनका बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है मेरे दादा गुरु जी से, और मेहर में उनको बहुत सम्मान, और संगीत के जगत में उन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। एक बहुत ही सुंदर सितार की वादिका है। तो कल 11:30 से हम उनको यहाँ अपने बीच उपस्थित पाएंगे, और मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग कल जरूर हमारे इस जो समापन सत्र है कल, जिसमें विदुषी मंजू नंद मेहता जी हमारे साथ होंगी, उसमें जरूर आप सब जुड़ेंगे। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ सादर कल के सत्र के लिए, और आज अब ये सत्र यहीं समाप्त होता है। अब हमारा आज से व्याख्यान माला वायलिन की भी शुरू हो रही है, जो कि कुछ क्षणों में प्रारंभ हो जाएगी, तो उसके लिए भी मेरी शुभकामनाएं, और आशा करती हूँ आप सब उसमें हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, कल हम पुनः 11:15 सितार के सत्र के लिए मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं बात कर रहा हूँ। स्वर्णा जी, जी जी हाँ, मैं आपको देख पा रहा हूँ, ठीक है? मैं इसमें ग्रुप में देख। इसके बाद आप वायलिन का सत्र है आपके जिम्मे जी, आप ही संचालक हैं। आप लोग भी रहिएगा। हम लोग रहेंगे, हम लोग रहेंगे, कहाँ जाएंगे। मैं संतोष जी जुड़ गए कि नहीं वो हम वही। हाँ, संतोष जी को देख लीजिए, वीरेन सर जुड़ चुके हैं, बाला सर जुड़ चुके हैं जी। सभी को नमस्कार। और भी हमारे कई विद्यार्थी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, प्रशांत, मुझे एक्चुअली वो नहीं दिख रहा है क्योंकि आपका स्क्रीन आ गए। आ गए संतोष जी, आ गए, संतोष जी आ गए। गैलेक्सी M31 के नाम से संतोष जी, आपका नाम नहीं आ रहा उसमें। नाम चेंज कर देंगे तो सर अच्छा होगा, उससे ना खोजने में आसानी होती है। हाँ, आप अपना नाम से आएंगे, ये मोबाइल का नाम आ रहा है गैलेक्सी M31, अपने नाम से आएंगे तो हम लोग को दिखाने में आसानी होती है। नाम के लिए क्या करना होगा? वो जब ज्वाइन करते हैं तो उसी समय पूछता है कि किस नाम से आना चाहते हैं, क्यों? सही ना? हाँ, जब ज्वाइन करते हैं। नहीं, यहाँ पे भी आई थिंक चेंज हो सकता है। मीटिंग होस्ट के नीचे जो है, बोलो ना, एक मिनट में बता, मैं बता रहा हूँ। रीनेम का ऑप्शन है, अपने नाम जहाँ लिस्ट है पार्टिसिपेंट लिस्ट, वहाँ पर अपने नाम के जगह पर क्लिक करेंगे तो वहाँ ऑप्शन आएगा रीनेम। यानी हम फिर से बाहर जाके फिर से ज्वाइन करते हैं? जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत नहीं है आई थिंक। सर आप पार्टिसिपेंट लिस्ट देखिए, उसमें अपना नाम जहाँ पर होगा आपका नाम, वहाँ पर आप क्लिक करें तो रीनेम ऑप्शन आएगा।